हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है देवरा पार्ट वन ये एक तेलुगु पेन इंडियन फिल्म है जिसको हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन में डब करके साथ ही में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ है ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी मैं एक जानकारी देने वाला हूँ साथ ही मैं फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट शेयर करने वाले फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं देवरा पार्ट वन जो दो हज़ार चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में डब करके साथ ही में थिएट्रिकली पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन कोटाला सिवा ने किया हुआ है सुधाकर मिक्की नैनी कोसरा आ, कोसर राजू हरिकृष्णा नंदमुरी कल्याण राम ने इस फिल्म को करीबन 300 करोड़ के बजट में युवा सुधा आर्ट्स और एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ए फिल्म के द्वारा हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे गए सितारा एंटरटेनमेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स ख़रीदे हुए के वी एन प्रोडक्शन और एस एस कार्तिकेय ने जहाँ पे आ, उन्होंने इस फिल्म के लिए कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए नॉर्थ अमेरिका के लिए प्रत्यागीरा सिनेमाज़ और हमसीनी इंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए तमिलनाडु के लिए जो थिएट्रिकल राइट्स है वो एक्वायर किए हुए श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने वहीं पे केरला के लिए वे फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक्वायर किए गए तो ये फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जहाँ पे इस, इन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को आई एम फोर डी एक्स स्क्रीन एक्स डी बॉक्स और एम एक्स फोर डी आई सी फॉर्मेट्स में रिव्यू रिलीज़ किया गया है तो इन अलग अलग फॉर्मेट में फ़िल्म को रिलीज़ किया हुआ है कास्टिंग में एन टी आर जूनियर लीड रोल में देखने को मिलेंगे सैफ अली खान मेन इंटागोनी है वहीं पर जानवी कपूर ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा श्रुति मराठे प्रकाशा श्रीकांत और साइन टॉम चाको जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म के साथ आपको देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी आर राथन वेलू ने की हुई है फिल्म को एस श्रीकार प्रसाद ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और अट्ठावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अनिरुद्ध रविचंदर के द्वारा फिल्म के म्यूजिक के ऊपर कंपोजिशन करवाई गई है तो अनिरुद्ध रविचंदर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के जो राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने सभी वर्जनस के लिए खरीदे हुए फिल्म में आपको टोटल चार ट्रैक सुनने को मिलेंगे जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसके अलावा हम इस फिल्म के रिगार्डिंग दूसरे एसपे के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते हैं इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर जानकारी दे तो एन टी आर रामा जूनियर आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक तो है देवरा दूसरा है वरदा यानी कि वारा जो देवरा का बेटा है सैफ अली खान इस फिल्म में भैराव भैरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा जहनवी कपूर ने तंगम का रोल प्ले किया है जो वरदा का लव इंटरेस्ट है वरदा की माँ देवरा की वाइफ ये रोल है वो श्रुति मराठे ने प्ले किया हुआ है जरीना वहाब ने इस फिल्म में देवरा की माँ और वर्धा की ग्रैंड माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तल्लूरी रामेश्वर ने इस फिल्म में जागुलू का रोल जोगुलू का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने सिनप्पा का सिंगप्पा का रोल प्ले किया है श्रीकांत ने रायप्पा का रोल प्ले किया हुआ है साइम टोम चाको ने कोरा का रोल प्ले किया हुआ है नरेंद्र ने इरफान का रोल प्ले किया हुआ है जो कोस्ट गार्ड ऑफिसर है वहीं पे कलाया रासन ने इस फिल्म में कुंजारा का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा को मुरुगा यानी कि पॉलिटिशियन कम स्मगलर का रोल दिया गया है अजय ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है चैत्र राज ने इस फिल्म में भैरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आ, अम्मी अभिमन्यु सिंह ने इस फिल्म में डीएसपी तुलसी का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी वर्मा ने प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2020 में एन टी आर रामा राव जूनियर और त्रिविक्रम श्रीनिवास एक फिल्म साथ में करने वाले उनका सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है अरविंद समेता के बाद में टेंटेटिव टाइटल एन टी आर दिया गया था फिल्म एस राधा कृष्णा नंदमुरी कल्याण राम प्रोड्यूस करने वाले थे हरिका हासीन क्रिएशन और एन आर्ट्स के नीचे तो ये अनाउंसमेंट तब सुनने को मिली थी लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई जहाँ पर जुलाई में कन्फर्म किया गया कि कोटाला सिवा एक फिल्म बनाने वाले जहाँ पे वो अर्जुन को लेते हुए ए ट्वेंटी वन बनाने वाले प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सुधा कर्म की नई नई उनकी नई कंपनी युवा सुधा प्र आर्ट्स के नीचे प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ उसके बाद में अप्रैल 2021 में कंफर्म किया जाता है कुछ रिपोर्ट से कि रामा राव और शिवा एक बार फिर से कोलाबरेट करते हुए नजर आएंगे जनता गैरेज के बाद में उनका ये सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है फिल्म का टाइटल होने फिल्म को ट्वेंटी टाइटल एन टी आर थर्टी दिया हुआ था क्योंकि एन टी आर की तीसवीं फिल्म होने वाली थी एज अ लीड रोल में ऑफिशियली अनाउंसमेंट तेई तेरह अप्रैल दो हज़ार इक्कीस को उगाड़ी के मौके के ऊपर की गई थी जहाँ पे युवा सुधा आर्ट्स ने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट्स के द्वारा को कोलाबरेट करते हुए प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो उनके द्वारा इस फिल्म को अनाउंस किया गया था हाउ एवर जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि शिवा आचार्य के का फिल्म के प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे वहीं पे रामा राव एन टी आर रामा राव है वो आरआरआर फिल्म के साथ जुड़े हुए थे इसके चलते फिल्म को थोड़ा डिले किया गया जहाँ पे शिवा ने एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कमर्शियल अपील वाला तैयार किया हुआ है जहाँ पे उनकी डेब्यू फिल्म थी मिर्ची उससे कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अच्छा आचार्य फेल होने के बाद शिवा ने फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया कुछ नेसेसरी चेंजेस किए फाइनल राप तैयार किया उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया जिसके चलते प्रोजेक्ट और डिले हुआ जिसके चलते बाप दो आ चुका था और उसके बाद में नवंबर ने शिवा ने प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया था प्रोडक्शन को अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ले जाने का फैसला लिया गया इनिशियली ये फिल्म चौबीस अप्रैल को वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाले थे लेकिन तारक रत्ना और रामा रव के जो एकेडमी अवार्ड कैंपियन था आर आर के लिए उसके लिए चीज़ें थोड़ी डिले हुई थी ऑफिशियल लॉन्च था वो बाद में 23 मार्च पूजा सेरेमनी स्टार्ट करवाई गई थी हैदराबाद में एस एस राजा मौली और कई दूसरे कास्ट क्रू मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए उन्होंने मूर्त शोट में काम किया होता साथ ही में तब प्रेजेंस रहे थे वहीं पे इस फिल्म का टाइटल ऑफिशियली 19 मई 2023 को देवरा नाम के साथ अनाउंस किया गया वो तब एनटीआर का बर्थडे था उस मौके के ऊपर इसको अनाउंस किया गया चार अक्टूबर को सिवा ने अनाउंस किया कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली है क्योंकि फिल्म काफ़ी बड़ी है एक पार्ट में नहीं कम्प्लीट हो पाएगी कास्टिंग में बात करें तो पहले जो टेक्निकल टीम है उसमें अनिरुद्ध रविचंद्र को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया सिनेमेटोग्राफी के लिए आर राथन वेलू एडिटिंग के लिए ए श्रीकार प्रदात और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सब्बू सरेल को लिया गया था वहीं पे वी के लिए और कोरियोग्राफी के लिए पहले स्टंट कोरियोग्राफर के लिए केनी बेट्स को लिया गया ब्रेड मैनेज और युगंदर टी को वी एफ एक्स के लिए अप्रोच किया गया वहीं पे एक्ट्रेस के ऊपर नाम आया था कि आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर मनोराल ठाकुर रश्मिका मंदना जैसी एक्ट्रेस को लीड रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है ऐसा सुनने में आया था लेकिन कंसिडर किया जा रहा था लेकिन बाद में फाइनली जब अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि जान्नवी कपूर इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने वाली है उनकी पहली साउथ इंडियन या पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त भी कहा था कि उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हुआ क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि उनको एनटीआर के साथ काम करना है उसके बाद में इस फिल्म में ये सभी अप्रोच कंप्लीट करने के बाद प्रकाश राज मीरा जासमिन को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया धीरे धीरे कल्याई रासन मुरली शर्मा नरन अभिमन्यु सिंह श्रुति मराठे साइन टोम चाको जैसे एक्टर्स भी फिल्म के साथ जुड़े प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी एक अप्रैल 2023 से हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जाह्नवी कपूर और शैफ अली खान को मिड अप्रैल दो में इस सेट को ज्वाइन किया मई महीने में इस फिल्म के दो वीक जितना ब्रेक लिया गया क्योंकि एन टी आर फैमिली वेकेशंस में गए थे सात जून दो हज़ार तेईस को फिल्म से को फिर से रीशड्यूल करके शूट करना स्टार्ट किया गया तब चौदह दिन जितनी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में एक, एक महीने तक का लंबा ब्रेक रहा इकतीस जुलाई दो हज़ार तेईस तो तक फिल्म को फिर से स्टार्ट करवाया गया इस बार मुंबई की में इस फिल्म की कुछ शूटिंग्स रखी गई थी उसके बाद में फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में फिल्म की शूटिंग चली थी जहाँ पर हैदराबाद में एक शेड्यूल चार अक्टूबर दो हज़ार तेईस को रखा गया था कल्याण राम ने रिवील भी कहा था किया था दिसंबर दो हज़ार तेईस तक फिल्म की अट्ठ अस्सी परसेंट शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है लेकिन प्रोडक्शन टीम ने रिविल किया कि थर्टी परसेंट जितनी शूटिंग अभी तक कम्प्लीट हुई है उसके बाद में सभी चीजें आगे बढ़ती रही जहां पे बताया गया कि रामाव वॉर टू में पार्ट होने वाले लेकिन आ, ये दोनों फिल्म एक साथ टकराने की वजह से चीजें कुछ साथ नहीं बैठ रही थी जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग लेट हो रही थी उसके बाद में धीरे 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 फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में वे फेक्सीजे का, का काम कंप्लीट करवाए जहां पर इस फिल्म में काफ़ी लंबा रन टाइम रखा गया था इनिशियली रन टाइम था वो करीबन 190 मिनट का कंसीडर किया जा रहा था लेटर ऑन 170 मिनट के आसपास का रन टाइम फाइनलाइज किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए अनरुद्ध रविचंद्र ने टी सीरीज के पास सभी वजन के गाने थे एल्बर्क वेन्ट स्टूडियो चेन्नई एम स्टूडियो चेन्नई श्रुति ऑडियो हैदराबाद वाइफ स्टूडियो मुंबई वायर स्टूडियो मुंबई स्टूडियो डीएमआई लास वेगस में इस फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में चौथा टोटल चार ट्रैक थे तेलुगु वर्जन में सभी ट्रैक को लिखा हुआ था रामजोग शास्त्री ने इस फिल्म का फर्स्ट ट्रैक रिलीज किया गया था वो था फियर सॉन्ग जिसको उन्नीस मई दो को टी सीरीज के रिलीज करवाया गया था जिसको अनिरुद्ध रविचंदन ने खुद गाया हुआ था आ, चुत्ता मल्लकर के जो गाना है उसको शिल्पा राव ने गाया हुआ था जो सेकंड सिंगल के तौर पे पाँच अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया है दाऊडी गाने गए उसको नाका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था जिसको चार सेप्टेम्बर दो को फोर्थ सिंगल के सॉरी थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया गया था अयोध्या पूजा करके जो गाना था जिसको काला भैरवा ने गाया हुआ था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर छब्बीस सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया तो ये टोटल चार गाने रिलीज़ किए गए फिल्म के रिगार्डिंग जो तेरह मिनट चालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसका है हिंदी वर्जन है उसको लिखा उन सभी गानों को रामजोग्या शास्त्री ने हिंदी वर्जन के लिए लिखा हुआ था मलयालम वर्जन के लिए मनक्कुम्बू गो गोपाल कृष्णा ने लिखा था और वर्धा चिकम्बलमपुरम ने कन्नडा वर्जन के लिए इनके गानों को लिखा हुआ था तो इस तरह से ये सभी गाने थे जहाँ पे हिंदी वर्जन में टाइटल करें तो फियर सॉन्ग धीरे धीरे दाऊडी और अयोध्या पूजा टाइटल दिए गए थे जहाँ पे फियर सॉन्ग को मनोज मुंतासिन ने लिखा था अनिरुद्ध रविचंदन ने, 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 ने गाया था धीरे धीरे गाने को कोषार मुनिर ने लिखा शिल्पा राव ने गाया दाउडी गाने को कोसार मुनिर ने लिखा था नका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था ययोध्या पूजा गाना को मनोज मुंतासिन ने लिखा था और काला भैयावा ने गाया हुआ था इन सभी गानों को 26 सितंबर 2024 को टी सीरीज के द्वारा तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जनस में रिलीज़ किया गया तो अभी ये सभी गाने बिल्कुल फ्रेम चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आसानी से सुनने को मिल जाएंगे कहानी के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं इस फिल्म की कहानी रत्नागिरी करके एक एरिया है कोस्टल विलेज है जो रेड सी के नजदीक है जहाँ पे देवरा नाम का एक किरदार है उसके ऊपर पूरी फिल्म को मेनली फीचर किया हुआ है जो जूनियर एन टी आर रोल प्ले करे इसके अलावा भाईरा करके कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो सैफ अली खान ने प्ले किया हुआ है रैप्पा करके जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो श्रीकांत ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिर कोई कुछ और भी गांव में से बड़े बड़े नाम आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहाँ पे एक पावरफुल फिगर है मुरुगा करके जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहा है एक स्मगलिंग गुड्स स्मगलिंग गुड्स में वो उसका एक बड़ा नाम है जहाँ पे वो सिप्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें स्मगल करता हुआ नजर आता है देवरा को धीरे धीरे इन सभी रॉन्ग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है लेकिन देवरा के साथ भैरा इन सभी चीज़ों में डिसएग्री करता है उसके बाद में भैरा ट्राई करता है देवरा को मारने के लिए ट्विस्ट तब आता है जब देवरा अचानक से डिसपेयर हो जाता है और अचानक से 20 साल के बाद चीज़ें और पास होने के बाद पता चलती कि भैरा रत्नागिरी में रूल कर रहा है और वो अभी भी देवरा को ढूंढ रहा है मारने के लिए दूसरी तरफ वारा यानी कि देवरा का बेटा है जो एक इनोसेंट और हेल्पलेस है और धीरे धीरे वो भैरा की जो फोर्स है उसको भी ज्वाइन कर लेता है अब वाराली और भैरा क्या करना चाहते हैं इसके अलावा क्या ये जो फादर के जो एक का एक विश है वो कंप्लीट हो पाएगी क्या वारा हमें कोई खा, अपने फादर के लिए ख़राब मेमोरी है देवरा एक्चुअली में गया कहाँ है क्या वो जिंदा है भैया क्या उसे पकड़ पाएगा अगर ज़िंदा है तो अगर ये सभी चीज़ों के बीच में किस तरह से देवरा और उसके बेटे के जो बीच की ट्यूनिंग है वो आपको देखने को मिलती है और देवरा को क्यों मारना चाहता है भाईरा वो सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जूनियर एन इस फिल्म के लिए वन ऑफ़ द मेजर प्लस पॉइंट साबित होते हैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से इस्टबलिश किया हुआ था जहाँ पर वो एक बार फिर से प्रूव करते हुए नज़र आते कि वो एज एक्टर के तौर पे कितने मज़बूत हैं उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी बनाए रखती है देवरा पार्ट वन पूरी तरह से वो ऑडियंस के सामने वो अकेले अपने कंधे पे खिंचते हुए नजर आते हैं देवरा और वारा दोनों रोल में देवरा के रोल में उनकी जो ह्यूमिनिटी है डिस्ट्रक्टिवनेस है जिस तरह से उन्होंने उस किरदार में डायलॉग डिलीवरी दी हुई है बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी बढ़िया थी ठीक उसी तरह वारा का जो किरदार था वो पूरी तरह से अपोजिट था एक इनोसेंट था कॉवर्ड था तो उन सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली बैलेंस तरीके से एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई सेफ अली खान भाईरा के रोल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस साइन करते हुए नजर आते हैं कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने तैयार दि किया हुआ था उस कैरेक्टर में सेफ अली खान ने जो काम किया हुआ है जिस तरह से देवरा के अगेंस्ट वो रिवेंज चाहता है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था जानवी कपूर को जो भी काम दिया गया था जो म्यूजिक थोड़ा बहुत था थोड़े बड़े थोड़े बहुत सीन्स थे जो फन डायनेमिक एन के साथ देखने को मिलता है और सभी चीज़ों में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी एक्शन सिक्वेंस फिल्म के काफ़ी बढ़िया थे वो फिल्म के लिए आउट मोमेंट्स में साबित होते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से जो एक एक्शन सीक्वेंस के साथ जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो डायलॉग्स डिलीवरी देखने को मिलते हैं जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं देवरा के कैरेक्टर के साथ और सभी चीज़ें एक एंटरटेनिंग टच देती हुई नज़र आती है सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेज श्रीकांत प्रकाश दूसरे कई एक्टर्स ने दिए हुए काफ़ी पॉजिटिव मैनर में फिल्म के साथ जाती हुई नजर आती है स्टोरी काफ़ी एंटरटेनिंग थी स्टोरी में काफ़ी नयापन था लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था उसमें उनको एज ए डायरेक्टर के तौर पे कई पोर्शंस में बेहतर तरीके से डायरेक्शन करना चाहिए था स्क्रीन प्ले थोड़ा और एंगेजिंग मेनर में लिखा जा सकता था इसके अलावा कुछ ऐसे से, से सीन्स थे जिसको और इफ़ेक्टिव मेनर में एक्जीक्यूट किया जा सकता था चीज़ें और इनहेंस हो सकती थी जो फिल्म के और रोल जो फिल्म का इम्पेक्ट है और बेहतर कर सकती थी जान्हवी कपूर का जो रोल था वो काफ़ी कुछ सीन्स के लिए था जहाँ पे उसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज की जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट नज़र आएगी बैक स्टोरी में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है उसको बेहतर किया जा सकता था सैफ अली खान का रोल था जिस तरह से तैयार किया गया था उसको थोड़ा बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से एन का रोल डेवलप किया गया था उसी तरह क्लाइमेक्स जिस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है उसमें जो शॉकिंग इवेंट्स डाला हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से सभी ऑडियंस के लिए काम नहीं करता है सिवा कोटला ने इस फिल्म के साथ एज अ राइटर डायरेक्टर के तौर पर ठीक ठाक काम किया हुआ है वैसे सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी ठीक थी इमोशनल डेप्थ की कमी नजर आती है वहाँ पे चीजें और बेहतर की जा सकती थी सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक काफी बढ़िया था फिल्म का जो फिल्म को एक अच्छा खासा टच देता हुआ नजर आता है एक फिल्म को टॉप नॉज सीन्स को और बेहतर करने में मदद करता है एडिटिंग फिल्म की आ, मीडियम मीडियम ठीक ठाक थी क्योंकि चीज़ें थोड़ी चॉपअप की जा सकती थी काफ़ी लंबी फिल्म थी जहाँ पे फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी लाजवाब नजर आएगी तो ओवरऑल देवरा एक एक्शन पर एक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो मिलेगा जहाँ पर जूनियर एन अपने कंधे पर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते जान्हवी कपूर का चांद था वो भी पसंद आएगा आपको सेफ अली खान का भी जो परफॉर्मेंस था वो भी फिल्म को सपोर्ट कर रहा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड्स में कुछ एक्शन सिकॉन्स है जिसको अच्छी तरह से फिल्माया गया है लेकिन एज अ डायरेक्टर के तौर पे डायरेक्टर ने जो काम किया हुआ है उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी जो सीन्स थे उसमें भी सेकंड हाफ में खास करके काफ़ी लेग होते हुए नज़र आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म देख सकते हो तो देवरा फिल्म वैसे वन टाइम वॉच है एन के लिए अगर आप देखना चाहते हो डेफ़िनेटली एक डिसेंट फिल्म है इसे देखा जा सकता है आचार्य से तो बेहतर फिल्म बनी हुई है आचार्य ही जो फिल्म के डायरेक्टर है यानी कि को कोटराला सिवा उन्होंने बनाई थी तो वो फिल्म उतनी कुछ खास थी नहीं लेकिन उससे तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है जिसको थिएट्रिकली सत्ताईस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया था जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा बस था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पर अभी तक इस फिल्म को आई पे करीबन छः पॉइंट आठ के यानी कि अड़सठ सौ की वो रेटिंग मिली हुई है और उसमें से अड़सठ सौ वोट्स में से इस फिल्म ने छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल की हुई दस में से और इस आईएमडीबी रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया हुआ है हिंदी वर्जन में और तेलुगु वर्जन में तो खास करके फिल्म काफ़ी बढ़िया चल रही है जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले दिन काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था अच्छी खासी प्री बुकिंग चल रही थी जिसके साथ इस फिल्म ने ओवरसीज और से इंडिया से मिलाकर अपना पहला का पहले दिन का ग्रोस कलेक्शन वो करीबन एक करोड़ का किया था तो और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया इस कलेक्शन के साथ और सेकंड डे में वो कलेक्शन दो दिनों का टोटल करीबन दो करोड़ बना हुआ है तो करीबन करीबन दूसरे दिन भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सत्तर अस्सी करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दो दिनों के अंदर करीबन दो करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है तो एक अच्छे का मीडियम ऑफ माउथ के बावजूद भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है डेफ़िनेटली ये फिल्म अपना ब्रेक ऑन टारगेट हासिल कर लेगी क्योंकि भले ही मिक्स रिस्पांस मिला हो लेकिन फिल्म इस कदर बनी है कि डेफिनेटली ऑडियंस के बीच में फिल्म कलेक्शन कर जाएगी तो एन टी आर के आर आर के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई पहले दिन के लिए जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म थिएट्रिकली रन हो रही है अगर आपको देखना है तो थिएटर में देख सकते हो अदरवाइज़ ओ टी वर्जन के ऊपर बातचीत करो तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन सात आठ वीक के विंडोज़ में आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी ओ टी टी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म के लिए एक सौ पचपन करोड़ रुपये दिए हुए करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि देवरा फिल्म फिलहाल में थिएटर में चल रही है अगर ओ में देखना चाहते हो तो थिएटर कल रिलीज के करीबन आठ महीने के बाद ये आठ वीक के बाद यानी कि करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से देवरा फिल्म आप ओ टी टी सेटेलाइट थिएटर इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे देवरा पार्ट वन जो 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में डब करके साथ ही में थिएट्रिकली पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया हुआ है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन कोटाला सिवा ने किया हुआ है सुधाकर मिक्की नैनी कोसरा कोसर राजू हरिकृष्णा नंदमोरी कल्याण राम ने इस फिल्म को करीबन 300 करोड़ के बजट में युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ए फिल्म्स के द्वारा हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे गए सितारा एंटरटेनमेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदे हुए के प्रोडक्शन और एस एस कार्तिकेय ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के लिए कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए नॉर्थ अमेरक अमेरिका के लिए प्रत्यागीरा सिनेमाज़ और हमसीनी इंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए तमिलनाडु के लिए जो थिएट्रिकल राइट्स है वो एक्वायर किए हुए श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने वहीं पे केरला के लिए वे फेयरर फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक्वायर किए गए तो ये फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है जहाँ पे इन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को आई एम एक्स फोर डी एक्सन एक्स डी बॉक्स और एम एक्स फोर डी आई सी फॉर्मेट्स में रिव्यू रिलीज़ किया गया है तो इन अलग अलग फॉर्मेट में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है कास्टिंग में एन टी आर जूनियर लीड रोल में देखने को मिलेंगे सैफ अली खान मीन इंटागोनी से वहीं पे जानवी कपूर ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा श्रुति मराठे प्रकाश राज श्रीकांत और साइन टॉम चाको जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म के साथ आपको देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी आर राथन वेलू ने की हुई है फिल्म को एस श्रीकांत प्रसाद ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और अट्ठावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र के द्वारा फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर कंपोजिशन करवाई गई है तो अनिरुद्ध अनुरुद्धविचंद्र ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो टी सीरीज़ वालों ने सभी वर्जनस के लिए खरीदे हुए फिल्म में आपको टोटल चार्टर ट्रैक सुनने को मिलेंगे जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले इसके अलावा हम इस फिल्म के रिगार्डिंग दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते हैं इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर जानकारी दे तो एन टी आर रामा राव जूनियर आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक तो है देवरा दूसरा है वरदा यानी कि वारा जो देवरा का बेटा है सैफ अली खान इस फिल्म में भैराव भैरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा जहनवी कपूर ने तंगम का रोल प्ले किया है जो वरदा का लव इंटरेस्ट है वरदा की माँ देवरा की वाइफ ये रोल है वो श्रुति मराठे ने प्ले किया हुआ है जरीना वहाब ने इस फिल्म में देवरा की माँ और वर्धा की ग्रैंड माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तल्लूरी रामेश्वर ने इस फिल्म में जागुलू का रोल जोगुलू का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने सिनप्पा का सिंगप्पा का रोल प्ले किया हुआ श्रीकांत ने रायप्पा का रोल प्ले किया हुआ है साइम टोम चाकू ने कोरा का रोल प्ले किया हुआ है नरेंद्र ने इरफान का रोल प्ले किया हुआ है जो कोस्ट गार्ड ऑफिसर है वहीं पे कलाया रासन ने इस फिल्म में कुंजारा का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा को मुरुगा यानी कि पॉलिटिशियन कम स्मगलर का रोल दिया गया है अजय ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है चैत्र राज ने इस फिल्म में भैरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अम्मी अभिमन्यु सिंह ने इस फिल्म में डीएसपी तुलसी का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी वर्मा ने प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2020 में एन टी आर रामा राव जूनियर और त्रिविक्रम श्रीनिवास एक फिल्म साथ में करने वाले उनका सेकंड कोलोब्रेशन होने वाला है अरविंद समेता के बाद में टेंटेटिव टाइटल एन टी आर दिया गया था फिल्म एस राधा कृष्णा नंदमुरी कल्याण राम प्रोड्यूस करने वाले थे हरिका हासी क्रिएशन और एन आर्ट्स के नीचे तो ये अनाउंसमेंट तब सुनने को मिली थी लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई जहाँ पर जुलाई में कन्फर्म किया गया कि कोर टाला सिवा एक फिल्म बनाने वाले जहाँ पे वो अर्जुन को लेते हुए ए ट्वेंटी वन बनाने वाले प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सुधाकर्मी की नई नई उनकी नई कंपनी युवा सुधा आर्ट्स के नीचे प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ उसके बाद में अप्रैल 2021 में कंफर्म किया जाता है कुछ रिपोर्ट से कि रामा राव और सिवा एक बार फिर से कोलाब्रेट करते हुए नजर आएंगे जनता गैरेज के बाद में उनका ये सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है फिल्म का टाइटल होने फिल्म को आइडेंटिटी टाइटल एन टी दिया हुआ था क्योंकि एन की तीसवीं फिल्म होने वाली थी एज अ लीड रोल में ऑफिशियली अनाउंसमेंट तेई तेरह अप्रैल दो हज़ार इक्कीस को गाड़ी के मौके के ऊपर की गई थी जहाँ पे युवा सुधा आर्ट्स ने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट्स के द्वारा कोवो कोलोबरेट करते हुए प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो उनके द्वारा इस फिल्म को अनाउंस किया गया था हाउ एवर जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि शिवा आचार्य के का फिल्म के प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे वहीं पर रामाव एन टी रामा राव है वो आर फिल्म के साथ जुड़े हुए थे इसके चलते फिल्म को थोड़ा डिले किया गया जहाँ पे शिवा ने एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कमर्शियल अपील वाला तैयार किया हुआ है जहाँ पे उनकी डेब्यू फिल्म थी मिर्ची उससे कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अच्छा आचार्य फेल होने के बाद शिवा ने फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया कुछ नेसेसरी चेंजेस किए फाइनल राप तैयार किया उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया जिसके चलते प्रोजेक्ट और डिले हुआ जिसके चलते बाप दो आ चुका था और उसके बाद में नवंबर ने शिवा ने प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया था प्रोडक्शन को अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ले जाने का फैसला लिया गया इनिशियली ये फिल्म चौबीस अप्रैल को वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाले थी लेकिन तारक रत्ना और रामा रव के जो एकेडमी अवार्ड कैंपियन था आर आर के लिए उसके लिए चीज़ें थोड़ी डिले हुई थी ऑफिशियल लॉन्च था वो बाद में तेईस मार्च पूजा सेरेमनी स्टार्ट करवाई गई थी हैदराबाद में एस एस राजा मौली और कई दूसरे कास्टर क्रू मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए उन्होंने मूर्त शॉट में काम किया था साथ ही में तब प्रेजेंस रहे थे वहीं पे इस फिल्म का टाइटल ऑफिशियली 19 मई 2023 को देवरा नाम के साथ अनाउंस किया गया वो तब एन का बर्थडे था उस मौके के ऊपर इसको अनाउंस किया गया चार अक्टूबर को सिवा ने अनाउंस किया कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली है क्योंकि फिल्म काफ़ी बड़ी है एक पार्ट में नहीं कम्प्लीट हो पाएगी कास्टिंग में बात करें तो पहले जो टेक्निकल टीम है उसमें अनिरुद्ध रविचंद्र को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया सिनेमेटोग्राफी के लिए आर राथन वेलू एडिटिंग के लिए ए श्रीकार प्रदास और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सब्बू स्रेल को लिया गया था वहीं पे वी के लिए और कोरियोग्राफी के लिए पहले स्टंट कोरियोग्राफर के लिए केनी बेट्स को लिया गया ब्रेड मेनेच और युगंदर टी को वी एफ एक्स के लिए अप्रोच किया गया वहीं पर एक्ट्रेस के ऊपर नाम आया था कि आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर मनोराल ठाकुर रश्मिका मंदना जैसी एक्ट्रेस को लीड रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है ऐसा सुनने में आया था लेकिन कंसिडर किया जा रहा था लेकिन बाद में फाइनली जब अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि जान्हवी कपूर इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने वाले उनकी ये पहली साउथ इंडियन या पहली तेलुगू फिल्म होने वाले उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त भी कहा था कि उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हुआ क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि उनको एन के साथ काम करना है उसके बाद में इस फिल्म में ये सभी अप्रोच कंप्लीट करने के बाद प्रकाश राज मीरा जासमिन को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया धीरे धीरे कल्याई रासन मुरली शर्मा नरेंन अभिमन्यु सिंह श्रुति मराठे साइन टोम चाको जैसे एक्टर्स भी फिल्म के साथ जुड़े प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी एक अप्रैल 2023 से हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जाह्नवी कपूर और सेफ अली खान को मिड अप्रैल दो में इस सेट को ज्वाइन किया मई महीने में इस फिल्म के दो वीक जितना ब्रेक लिया गया क्योंकि एन टी आर फैमिली वेकेशंस में गए थे सात जून 2023 को फिल्म से को फिर से रीसीड्यूल करके शूट करना स्टार्ट किया गया तब चौदह दिन जितनी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में एक ल, एक महीने तक का लंबा ब्रेक रहा इकतीस जुलाई 2023 हज़ार तेईस तो तक फिल्म को फिर से स्टार्ट करवाया गया माँ इस बार मुंबई की में इस फिल्म की कुछ शूटिंग्स रखी गई थी उसके बाद में फिल्म के अलग अलग लोकेशंस में फिल्म की शूटिंग चली थी जहां पे हैदराबाद में एक शेड्यूल चार अक्टूबर दो को रखा गया था कल्याण राम ने रिवील भी कहा था किया था दिसंबर 2023 तक फिल्म की 80 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन प्रोडक्शन टीम ने रिवील किया कि 30 परसेंट जितनी शूटिंग अभी तक कंप्लीट हुई है उसके बाद में आ, सभी चीज़ें आगे बढ़ती रही जहां पर बताया गया कि रामा रुआ वॉर टू में पार्ट होने वाले लेकिन आ, ये दोनों फिल्म एक साथ टकराने की वजह से चीज़ें कुछ साथ नहीं बैठ रही थी जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग लेट हो रही थी उसके बाद में धीरे 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 फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में वे फेक्सी जी आई का, का काम कम्प्लीट करवाया जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी लंबा रन टाइम रखा गया था इनिशियली रन टाइम था वो करीबन 190 मिनट का कंसीडर किया जा रहा था लेटर ऑन 170 मिनट के आसपास का रन टाइम फाइनलाइज किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए अनुरुद्ध रविचंदन ने टी सीरीज के पास सभी वजन के गाने थे एल्बर्ट वेन्ट स्टूडियो चेन्नई एम स्टूडियो चेन्नई श्रुति ऑडियो लैब्स हैदराबाद वाइफ स्टूडियो मुंबई वायर स्टूडियो मुंबई स्टूडियो डीएमआई लास वेगस में फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में चौथा टोटल चार ट्रैक थे तेलुगु वर्जन में सभी ट्रैक को लिखा हुआ था रामजोग्य शास्त्री ने इस फिल्म का फर्स्ट ट्रैक रिलीज किया गया था वो था फियर सॉन्ग जिसको उन्नीस मई दो को टी सीरीज के रिलीज करवाया गया था जिसको अनिरुद्ध रविचंदन ने खुद गाया हुआ था आ, चुत्ता मल्ले करके जो गाना है उसको शिल्पा राव ने गाया हुआ था जो सेकंड सिंगल के तौर पे पाँच अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया है दाऊडी गाने गए उसको नाका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था जिसको चार सेप्टेम्बर दो को फोर्थ सिंगल के सॉरी थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया गया था अयोध्या पूजा करके जो गाना था जिसको काला भैरवा ने गाया हुआ था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर छब्बीस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया तो ये टोटल चार गाने रिलीज़ किए गए फिल्म के रिगार्डिंग जो तेरह मिनट चालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसका है हिंदी वर्जन है उसको लिखा उन सभी गानों को रामजोग्या शास्त्री ने हिंदी वर्जन के लिए लिखा हुआ था मलयालम वर्जन के लिए मनकुम्भु गो गोपाल कृष्णा ने लिखा था और वर्धा चिकम्बलमपुरम ने कन्नडा वर्जन के लिए इनके गानों को लिखा हुआ था तो इस तरह से ये सभी गाने थे जहाँ पे हिंदी वर्जन में टाइटल करें तो फियर सॉन्ग धीरे धीरे दाऊडी और अयोध्या पूजा टाइटल दिए गए थे जहाँ पे फियर सॉन्ग को मनोज मुंतासिर ने लिखा था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया था धीरे धीरे गाने को कोषार मुनिर ने लिखा शिल्पा राव ने गाया दाऊडी गाने को कोसार मुनिर ने लिखा था नका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था पूजा गाना को मनोज मुंतासिर ने लिखा था और काला भईराव ने गाया हुआ था इन सभी गानों को 26 सितंबर 2024 तो टी सीरीज के द्वारा तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में रिलीज किया गया तो अभी ये सभी गाने बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आसानी से सुनने को मिल जाएंगे कहानी के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं इस फिल्म की कहानी रत्नागिरी करके एक एरिया है कोस्टल विलेज है जो रेड सी के नज़दीक है वहाँ पे सेट की हुई है जहाँ पे देवरा नाम का एक किरदार है उसके ऊपर पूरी फिल्म को मेनली फीचर किया हुआ है जो जूनियर एन रोल प्ले करे इसके अलावा भाईरा करके कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो सेफ़ अली खान ने प्ले किया हुआ है रैप्पा करके जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो श्रीकांत ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिर कोई कुछ और भी गांव में से बड़े बड़े नाम आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे एक पावरफुल फिगर है मुरुगा करके जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहा है एक स्मगलिंग गुड्स स्मगलिंग गुड्स में वो उसका एक बड़ा नाम है जहां पे वो सिप्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें स्मगल करता हुआ नजर आता है देवरा को धीरे धीरे इन सभी रॉन्ग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है लेकिन देवरा के साथ भैरा इन सभी चीज़ों में डिसएग्री करता है उसके बाद में भैरा ट्राई करता है देवरा को मारने के लिए ट्विस्ट तब आता है जब देवरा अचानक से डिसफेयर हो जाता है और अचानक से 20 साल के बाद चीज़ें और पास होने के बाद पता चलती कि भैरा रत्नागिरी में रूल कर रहा है और वो अभी भी देवरा को ढूंढ रहा है मारने के लिए दूसरी तरफ वारा यानी कि देवरा का बेटा है जो एक इनोसेंट और हेल्पलेस है और धीरे धीरे वो भैरा की जो फोर्स है उसको भी ज्वाइन कर लेता है अब वारा और भैरा क्या करना चाहते इसके अलावा क्या ये जो फादर के जो एक का एक विश है वो कंप्लीट हो पाएगी क्या वारा हमें कोई खा, अपने फादर के लिए ख़राब मेमोरी है कि देवरा एक्चुअली में गया कहाँ है क्या वो ज़िंदा है भैया क्या उसे पकड़ पाएगा अगर ज़िंदा है तो अगर ये सभी चीज़ों के बीच में किस तरह से देवरा और उसके बेटे के जो बीच की ट्यूनिंग है वो आपको देखने को मिलती है और देवरा को क्यों मारना चाहता है भाईरा वो सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जूनियर एन इस फिल्म के लिए वन ऑफ द मेजर प्लस पॉइंट साबित होते हैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से इस्टबलिश किया हुआ था जहाँ पर वो एक बार फिर से प्रूव करते हुए नजर आते कि वो एज एक्टर के तौर पे कितने मजबूत हैं उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी बनाए रखती है देवरा पार्ट वन पूरी तरह से वो ऑडियंस के सामने वो अकेले अपने कंधे पे खिंचते हुए नजर आते हैं देवरा और वारा दोनों रोल में तेवरा के रोल में उनकी जो ह्यूमिनिटी है डिस्ट्रक्टिवनेस है जिस तरह से उन्होंने उस किरदार में डायलॉग डिलीवरी दी हुई है बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी बढ़िया थी ठीक उसी तरह वारा का जो किरदार था वो पूरी तरह से अपोजिट था एक इनोसेंट था कॉवर्ड था तो उन सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली बैलेंस तरीके से एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई सेफ अली खान भाईरा के रोल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस साइन करते हुए नज़र आते हैं कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ था उस कैरेक्टर में सेफ अली खान ने जो काम किया हुआ है जिस तरह से देवरा के अगेंस्ट वो रिवेंज चाहता है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था जानवी कपूर को जो भी काम दिया गया था जो म्यूज़िक थोड़ा बहुत था थोड़े बड़े थोड़े बहुत सीन्स थे जो फन डायनेमिक एन के साथ देखने को मिलता है और सभी चीज़ों में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी एक्शन सिक्वेंस फिल्म के काफ़ी बढ़िया थे वो फिल्म के लिए स्टैंड आउट मोमेंट्स में साबित होते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से जो एक एक्शन सिक्वेंस के साथ जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो डायलॉग्स डिलीवरी देखने को मिलते हैं जो डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं देवरा के कैरेक्टर के साथ और सभी चीज़ें एक एंटरटेनिंग टच देती हुई नज़र आती है सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेज श्रीकांत प्रकाश दूसरे कई एक्टर्स ने दिए हुए काफ़ी पॉजिटिव मैनर में फिल्म के साथ जाती हुई नजर आती है स्टोरी काफ़ी एंटरटेनिंग थी स्टोरी में काफ़ी नयापन था लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था उसमें उनको एज ए डायरेक्टर के तौर पे कई पोर्शंस में बेहतर तरीके से डायरेक्शन करना चाहिए था स्क्रीन प्ले थोड़ा और एंगेजिंग मैनर में लिखा जा सकता था इसके अलावा कुछ ऐसे, ऐसे सीन्स थे जिसको और इफ़ेक्टिव मैनर में एग्जीक्यूट किया जा सकता था चीज़ें और इन्हेंस हो सकती थी जो फिल्म के ओवरऑल जो फिल्म का इम्पेक्ट है और बेहतर कर सकती थी जानवी कपूर का जो रोल था वो काफ़ी कुछ सीन्स के लिए था जहाँ पे उसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज की जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट नज़र आएगी बैक स्टोरी में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है उसको बेहतर किया जा सकता था सैफ अली खान का रोल था जिस तरह से तैयार किया गया था उसको थोड़ा बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से एन टी आर का रोल डेवलप किया गया था उसी तरह क्लाइमेक्स जिस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है उसमें जो शॉकिंग इवेंट्स डाला हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से सभी ऑडियंस के लिए काम नहीं करता है सिवा कोटला ने इस फिल्म के साथ एज अ राइटर डायरेक्टर के तौर पर ठीक ठाक काम किया हुआ है वैसे सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी ठीक थी इमोशनल डेप्थ की कमी नजर आती है वहाँ पे चीजें और बेहतर की जा सकती थी सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फिल्म को एक अच्छा खासा टच देता हुआ नजर आता है एक फिल्म को टॉप नोच सीन्स को और बेहतर करने में मदद करता है एडिटिंग फिल्म की आ, मीडियम मीडियम ठीक ठाक थी क्योंकि चीज़ें थोड़ी चॉपअप की जा सकती थी काफ़ी लंबी फिल्म थी जहाँ पे फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी लाजवाब नजर आएगी तो ओवरऑल देवरा एक एक्शन पे एक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो मिलेगा जहाँ पे जूनियर एन अपने कंधे पे एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते जानवी कपूर का चांद था वो भी पसंद आएगा आपको सेफ अली खान का भी जो परफॉर्मेंस था वो भी फिल्म को सपोर्ट कर रहा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड्स में कुछ एक्शन सीखों है जिसको अच्छी तरह से फिल्माया गया है लेकिन एज अ डायरेक्टर के तौर पे डायरेक्टर ने जो काम किया हुआ है उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी जो सीन्स थे उसमें भी सेकंड हाफ में खास करके काफ़ी लेग होते हुए नज़र आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म देख सकते हो तो देवरा फिल्म वैसे वन टाइम वॉच है एन के लिए अगर आप देखना चाहते हो डेफ़िनेटली एक डिसेंट फिल्म है इसे देखा जा सकता है आचार्य से तो बेहतर फिल्म बनी हुई है आचार्य ही जो फिल्म के डायरेक्टर है यानी कि कौटाला सिवा उन्होंने बनाई थी तो वो फिल्म उतनी कुछ खास थी नहीं लेकिन उससे तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है जिसको थिएट्रिकली सत्ताईस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया था जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा बस था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पर अभी तक इस फिल्म को आई पे करीबन छः पॉइंट आठ के यानी कि अड़सठ सौ की वो रेटिंग मिली हुई है और उसमें से अठसठ सौ वोट्स में से इस फिल्म ने छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से और इस आईएमडीबी रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया हुआ है हिंदी वर्जन में और तेलुगू वर्जन में तो खास करके फिल्म काफ़ी बढ़िया चल रही है जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले दिन काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था अच्छी खासी प्री बुकिंग चल रही थी जिसके साथ इस फिल्म ने ओवरसीज ऑन इंडिया से मिलाकर अपना पहला का पहले दिन का ग्रोस कलेक्शन वो करीबन एक करोड़ का किया था तो और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया इस कलेक्शन के साथ और सेकंड डे में वो कलेक्शन दो दिनों का टोटल करीबन दो करोड़ बना हुआ है तो करीबन करीबन दूसरे दिन भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सत्तर अस्सी करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस भी फिल्म दो दिनों के अंदर करीबन दो करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है तो एक अच्छे का मीडियम ऑफ माउथ के बावजूद भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है डेफिनेटली फिल्म अपना ब्रेक ऑन टारगेट हासिल कर लेगी क्योंकि भले ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला हो लेकिन फिल्म इस कदर बनी है कि डेफ़िनेटली ऑडियंस के बीच में ये फिल्म कलेक्शन कर जाएगी तो एन टी आर के आर आर के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई है पहले दिन के लिए जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म थिएट्रिकली रन हो रही है अगर आपको देखना है तो थिएटर में देख सकते हो अदरवाइज़ ओ टी वर्जन के ऊपर बातचीत करो तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन सात आठ वीक के विंडोज़ में आपको ओ पे देखने को मिलेगी ओ राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म के लिए एक करोड़ रुपये दिए हुए करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ऑफिशियली ओ टी नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि देवरा फिल्म फिलहाल में थिएटर में चल रही है अगर ओटीटी में देखना चाहते हो तो थिएटर कल रिलीज के करीबन आठ महीने के बाद ये आठ वीक के बाद जाएगी तो इस तरह से ऊपर इंजॉय कर पाओगे देवरा पार्ट वन जो दो हजार चौबीस के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे इसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में डब करके साथ ही में थिएट्रिकली पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया हुआ है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन कोटाला सिवा ने किया हुआ है सुधाकर मिक्की नैनी कोसरा आ, कोसर राजू हरिकृष्णा नंदमुरी कल्याण राम ने इस फिल्म को करीबन 300 करोड़ के बजट में युवा सुधा आर्ट्स और एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ए फिल्म्स के द्वारा हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे गए सितारा एंटरटेनमेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स ख़रीदे हुए के वी एन प्रोडक्शन और एस एस कार्तिके ने जहाँ पे आ, उन्होंने इस फिल्म के लिए कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए नॉर्थ अमेरिका के लिए प्रत्यागीरा सिनेमाज़ और हमसिन इंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए तमिलनाडु के लिए जो थिएट्रिकल राइट्स है वो एक्वायर किए हुए श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने वहीं पे केरला के लिए वे फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक्वायर किए गए तो ये फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जहाँ पे इस इन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को आई एम एक्स फोर डी एक्स स्क्रीन एक्स डी बॉक्स और एम एक्स फोर डी आई सी फॉर्मेट्स में रिव्यू रिलीज़ किया गया है तो इन अलग अलग फॉर्मेट में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है कास्टिंग में एनटीआर जूनियर लीड रोल में देखने को मिलेंगे सैफ अली खान मीन इंटागोनी है वहीं पर जानवी कपूर ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा श्रुति मराठे प्रकाशा श्रीकांत और साइन टॉम चाको जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म के साथ आपको देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी आर राथन वेलू ने की हुई है फिल्म को ए श्रीकार प्रसाद ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और अट्ठावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अनिरुद्ध रविचंदर के द्वारा फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर कंपोजिशन करवाई गई है तो अनिरुद्ध रविचंदर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के जो राइट्स है वो टी सीरीज़ वालों ने सभी वर्जनस के लिए खरीदे हुए फिल्म में आपको टोटल चार्ट ट्रैक सुनने को मिलेंगे जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसके अलावा हम इस फिल्म के रिगार्डिंग दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते हैं इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर जानकारी दे तो एन टी आर रामा जूनियर आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक तो है देवरा दूसरा है वरदा यानी कि वारा जो देवरा का बेटा है सैफ अली खान इस फिल्म में भैराव भैरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा जहनवी कपूर ने तंगम का रोल प्ले किया है जो वरदा का लव इंटरेस्ट है वरदा की माँ देवरा की वाइफ ये रोल है वो श्रुति मराठे ने प्ले किया हुआ है जरीना वहाब ने इस फिल्म में देवरा की माँ और वर्धा की ग्रैंड माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तल्लूरी रामेश्वर ने इस फिल्म में जागुल्लू का रोल जोगुल्लू का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने सिनप्पा का सिंगप्पा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत ने रायप्पा का रोल प्ले किया हुआ है साइम टोम चाको ने कोरा का रोल प्ले किया हुआ है नरेंद्र ने इरफान का रोल प्ले किया हुआ है जो कोस्ट गार्ड ऑफिसर है वहीं पे कलाया रासन ने इस फिल्म में कुंजारा का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा को मुरुगा यानी कि पॉलिटिशियन कम स्मगलर का रोल दिया गया है अजय ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है चैत्र राज इस है आ, आ, ने इस फिल्म में भैया की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अम्मी अभिमन्यु सिंह ने इस फिल्म में डीएसपी तुलसी का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी वर्मा ने प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2020 में एन टी आर रामा राव जूनियर और त्रिविक्रम श्रीनिवास एक फिल्म साथ में करने वाले उनका सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है अरविंद समेता के बाद में टेंटेटिव टाइटल एन टी आर दिया गया था फिल्म एस राधा कृष्णा नंदमुरी कल्याण राम प्रोड्यूस करने वाले थे हरिका हसन क्रिएसन और एन आर्ट्स के नीचे तो ये अनाउंसमेंट तब सुनने को मिली थी लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई जहाँ पे जुलाई में कंफर्म किया गया कि कोटाला सिवा एक फिल्म बनाने वाले जहाँ पे वो अल्लार्जुन को लेते हुए ए ट्वेंटी वन बनाने वाले प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सुधा कर्म की नई उनकी नई कंपनी युवा सुधा आर्ट्स के नीचे प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ उसके बाद में अप्रैल 2021 में कंफर्म किया जाता है कुछ रिपोर्ट से कि रामा राव और सिवा एक बार फिर से कोलाबरेट करते हुए नजर आएंगे जनता गैरेज के बाद में उनका ये सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है फिल्म का टाइटल होने फिल्म को आइडेंटिटी टाइटल एन टी दिया हुआ था क्योंकि एन की तीसवीं फिल्म होने वाली थी एज अ लीड रोल में ऑफिशियली अनाउंसमेंट 13 तेरह अप्रैल दो हज़ार इक्कीस को उगाड़ी के मौके के ऊपर की गई थी जहाँ पर युवा सुधा आर्ट्स ने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट्स के द्वारा कोव करते हुए प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो उनके द्वारा इस फिल्म को अनाउंस किया गया था हाउ एवर जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि शिवा आचार्य के का फिल्म के प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे वहीं पे रामा राव एन टी आर रामा राव है वो आर 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 फिल्म के साथ जुड़े हुए थे इसके चलते फिल्म को थोड़ा डिले किया गया जहाँ पे शिवा ने एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कमर्शियल अपील वाला तैयार किया हुआ है जहाँ पे उनकी डेब्यू फिल्म थी मिर्ची उससे कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अच्छा आचार्य फेल होने के बाद शिवा ने फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया कुछ नेसेसरी चेंजेस किए फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फ़ैसला लिया जिसके चलते प्रोजेक्ट और डिले हुआ जिसके चलते बाप दो हज़ार आ चुका था और उसके बाद में नवंबर ने शिवा ने प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया था प्रोडक्शन को अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ले जाने का फैसला लिया गया इनिशियली ये फिल्म चौबीस अप्रैल को वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाले थे लेकिन तारक रत्ना और रामा रोव के जो एकेडमी अवार्ड कैम्पियन था आर आर के लिए उसके लिए चीज़ें थोड़ी डिले हुई थी ऑफिशियल लॉन्च था वो बाद में 23 मार्च पूजा सेरेमनी स्टार्ट करवाई गई थी हैदराबाद में एस एस राजा मौली और कई दूसरे कास्टर क्रू मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए उन्होंने मूरत शोर्ट में काम किया होता साथ ही में तब प्रेजेंस रहे थे वहीं पे इस फिल्म का टाइटल ऑफिशियली 19 मई 2023 को देवरा नाम के साथ अनाउंस किया गया वो तब एनटीआर का बर्थडे था उस मौके के ऊपर इसको अनाउंस किया गया चार अक्टूबर को सिवा ने अनाउंस किया कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली क्योंकि फिल्म काफ़ी बड़ी है एक पार्ट में नहीं कम्प्लीट हो पाएगी कास्टिंग में बात करें तो पहले जो टेक्निकल टीम है उसमें अनिरुद्ध रविचंद्र को म्यूज़िक के लिए अप्रोच किया गया सिनेमेटोग्राफी के लिए आर राथन वेलू एडिटिंग के लिए ए श्रीकार प्रदात और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सब्बूस्ट्रेल को लिया गया था वहीं पे वी एफ एक्स के लिए और कोरियोग्राफी के लिए पहले स्टंट कोरियोग्राफर के लिए केनी बेट्स को लिया गया ब्रेड मेनेच और युगंदर टी को वी के लिए अप्रोच किया गया वहीं पे एक्ट्रेस के ऊपर नाम आया था कि आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर मनोराल ठाकुर रश्मिका मंदना जैसी एक्ट्रेस को लीड रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है ऐसा सुनने में आया था लेकिन कंसीडर किया जा रहा था लेकिन बाद में फाइनली जब अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि जानवी कपूर इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने वाली है उनकी ये पहली साउथ इंडियन या पहली तेलुगू फिल्म होने वाली है उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त भी कहा था कि उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हुआ क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि उनको एन टी आर के साथ काम करना है उसके बाद में इस फिल्म में ये सभी अप्रोच कंप्लीट करने के बाद प्रकाश राज मीरा जासमिन को भी एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया धीरे धीरे कल्याई रासन मुरली शर्मा नरेन अभिमन्यु सिंह श्रुति मराठे साइन टोम चाको जैसे एक्टर्स भी फिल्म के साथ जुड़े प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी एक अप्रैल 2023 से हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जानवी कपूर और सैफ अली खान को मिड अप्रैल 2000 में इस सेट को ज्वाइन किया मई महीने में इस फिल्म के दो वीक जितना ब्रेक लिया गया क्योंकि एनटीआर फैमिली वेकेशंस में गए थे सात जून 2023 को फिल्म से को फिर से रिश्ड्यूल करके शूट करना स्टार्ट किया गया तब चौदह दिन जितनी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में एक एक महीने तक का लंबा ब्रेक रहा इकतीस जुलाई दो हज़ार तेईस तो तक फिल्म को फिर से स्टार्ट करवाया गया इस बार मुंबई की में इस फिल्म की कुछ शूटिंग्स रखी गई थी उसके बाद में फिल्म के अलग 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 लोकेशंस में फिल्म की शूटिंग चली थी जहाँ पर हैदराबाद में शेड्यूल चार अक्टूबर दो को रखा गया था कल्याण राम ने रिवील भी कहा था किया था दिसंबर 2023 तक फिल्म की 80 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन प्रोडक्शन टीम ने रिवील किया कि 30 परसेंट जितनी शूटिंग अभी तक कंप्लीट हुई है उसके बाद में सभी चीज़ें आगे बढ़ती रही जहां पर बताया गया कि राव वॉर टू में पार्ट होने वाले लेकिन आ, ये दोनों फिल्म एक साथ टकराने की वजह से चीज़ें कुछ साथ नहीं बैठ रही थी जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग लेट हो रही थी उसके बाद में धीरे 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 फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में वे फेस आई का, का काम कंप्लीट करवाए जहां पे इस फिल्म में काफ़ी लंबा रन टाइम रखा गया था इनिशियली रन टाइम था वो करीबन एक मिनट का कंसिडर किया जा रहा था लेटर ऑन एक मिनट के आसपास का रन टाइम फाइनलाइज किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट लिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी जानकारी दो तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए अनिरुद्ध रविचंदन ने टी सीरीज के पास सभी वजन के गाने थे एल्बर्ट वेन्ट स्टूडियो चेन्नई एम स्टूडियो चेन्नई श्रुति ऑडियो लेब्स हैदराबाद वाइफ स्टूडियो मुंबई वायर स्टूडियो मुंबई स्टूडियो डीएमआई लास वेगस में फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में चौथा टोटल चार ट्रैक थे तेलुगु वजन में सभी ट्रैक को लिखा हुआ था रामजोग शास्त्री ने इस फिल्म का फर्स्ट ट्रैक रिलीज किया गया था वो था फियर सॉन्ग जिसको उन्नीस मई दो को टी सीरीज के रिलीज करवाया गया था जिसको अनिरुद्ध रविचंदन ने खुद गाया हुआ था चुत्ता मल्लकर के जो गाना है उसको शिल्पा राव ने गाया हुआ था जो सेकंड सिंगल के तौर पे पांच अगस्त 2024 को रिलीज किया गया दाऊडी गाने गए उसको नाका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था जिसको 4 सितंबर 2024 को फोर्थ सिंगल के सॉरी थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज किया गया था अयोध्या पूजा करके जो गाना था जिसको काला भैरवा ने गाया हुआ था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर छब्बीस सेप्टेंबर दो को रिलीज किया गया तो ये टोटल चार गाने रिलीज़ किए गए फिल्म के रिगार्डिंग जो तेरह मिनट चालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसका है हिंदी वर्जन है उसको लिखा उन सभी गानों को रामजोग्या शास्त्री ने हिंदी वर्जन के लिए लिखा हुआ था मलयालम वर्जन के लिए मनकुम्भु गो गोपाल कृष्णा ने लिखा था और वर्धा चिकम्बलमपुरम ने कन्नडा वर्जन के लिए इनके गानों को लिखा हुआ था तो इस तरह से ये सभी गाने थे जहाँ पे हिंदी वर्जन में टाइटल करें तो फीयर सॉन्ग धीरे धीरे दाऊडी और अयोध्या पूजा टाइटल दिए गए थे जहाँ पे फेयर सॉन्ग को मनोज मुंतासि ने लिखा था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया था धीरे धीरे गाने को कोसार मुनिर ने लिखा शिल्पा राव ने गाया दाऊडी गाने को कोसार मुनिर ने लिखा था नका अजीज और आकाश सिंह ने गाया था योद्धा पूजा गाना को मनोज मुंतासि ने लिखा था और काला भैईरावा ने गाया हुआ था इन सभी गानों को 26 सितंबर 2024 को टी सीरीज के द्वारा तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जनस में रिलीज़ किया गया तो अभी ये सभी गाने बिल्कुल फ्रेम में यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आसानी से सुनने को मिल जाएंगे कहानी के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं इस फिल्म की कहानी रत्नागिरी करके एक एरिया है कोस्टल विलेज है जो रेड सी के नज़दीक है वहाँ पे सेट की हुई है जहाँ पे देवरा नाम का एक किरदार है उसके ऊपर पूरी फिल्म को मेनली फीचर किया हुआ है जो जूनियर एन रोल प्ले करे इसके अलावा भाईरा करके कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो सैफ अली खान ने प्ले किया हुआ है रैप्पा करके जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो श्रीकांत ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिर कोई कुछ और भी गांव में से बड़े बड़े नाम आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहाँ पे एक पावरफुल फिगर है मुरुगा करके जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहा है एक स्मगलिंग गुड्स स्मगलिंग गुड्स में उसका एक बड़ा नाम है जहाँ पे वो शिप्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें स्मगल करता हुआ नजर आता है देवरा को धीरे धीरे इन सभी रॉन्ग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है लेकिन देवरा के साथ भैरा इन सभी चीज़ों में डिसएग्री करता है उसके बाद में भैरा ट्राई करता है देवरा को मारने के लिए ट्विस्ट तब आता है जब देवरा अचानक से डिसफेयर हो जाता है और अचानक से 20 साल के बाद चीज़ें और पास होने के बाद पता चलती कि भैया रत्नागिरी में रूल कर रहा है और वो अभी भी देवरा को ढूंढ रहा है मारने के लिए दूसरी तरफ वारा यानी कि देवरा का बेटा है जो एक इनोसेंट और हेल्पलेस है और धीरे धीरे वो भैरा की जो फोर्स है उसको भी ज्वाइन कर लेता है अब वारा और भैरा क्या करना चाहते इसके अलावा क्या ये जो फादर की जो एक का एक विश है वो कंप्लीट हो पाएगी क्या वारा हमें कोई अपने फादर के लिए ख़राब मेमोरी है देवरा एक्चुअली में गया कहाँ है क्या वो जिंदा है भैया क्या उसे पकड़ पाएगा अगर ज़िंदा है तो अगर ये सभी चीज़ों के बीच में किस तरह से देवरा और उसके बेटे के जो बीच की ट्यूनिंग है वो आपको देखने को मिलती है और देवरा को क्यों मारना चाहता है भाईरा वो सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जूनियर एन इस फिल्म के लिए वन ऑफ़ द मेजर प्लस पॉइंट साबित होते हैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था जहाँ पर वो एक बार फिर से प्रूव करते हुए नज़र आते कि वो एज एक्टर के तौर पे कितने मज़बूत हैं उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी बनाए रखती है देवरा पार्ट वन पूरी तरह से वो ऑडियंस के सामने वो अकेले अपने कंधे पे खिंचते हुए नजर आते हैं देवरा और वारा दोनों रोल में देवरा के रोल में उनकी जो ह्यूमिनिटी है डिस्ट्रक्टिवनेस है जिस तरह से उन्होंने उस किरदार में डायलॉग डिलीवरी दी हुई है बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी बढ़िया थी ठीक उसी तरह वारा का जो किरदार था वो पूरी तरह से अपोजिट था एक इनोसेंट था कॉवर्ड था तो उन सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली बैलेंस तरीके से एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई सेफ अली खान भाईरा के रोल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस साइन करते हुए नज़र आते हैं कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने एक तैयार किया हुआ था उस कैरेक्टर में सेफ अली खान ने जो काम किया हुआ है जिस तरह से देवरा के अगेंस्ट वो रिवेंज चाहता है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था जानवी कपूर को जो भी काम दिया गया था जो म्यूजिक थोड़ा बहुत था थोड़े बड़े थोड़े बहुत सीन्स थे जो फन डायनेमिक एन टी आर के साथ देखने को मिलता है और सभी चीज़ों में वो, वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी एक्शन सीक्वेंस फिल्म के काफ़ी बढ़िया थे वो फिल्म के लिए स्टैंड आउट मोमेंट्स में साबित होते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से जो एक एक्शन सिक्वेंस के साथ जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो डायलॉग्स डिलीवरी देखने को मिलते हैं, जो डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं देवरा के कैरेक्टर के साथ और सभी चीज़ें एक एंटरटेनिंग टच देती हुई नज़र आती है सपोर्टिंग परफॉर्मेंसिस श्रीकांत प्रकाश दूसरे कई एक्टर्स ने दिए हुए काफ़ी पॉजिटिव मैनर में फिल्म के साथ जाती हुई नजर आती है स्टोरी काफ़ी एंटरटेनिंग थी स्टोरी में काफ़ी नयापन था लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था उसमें उनको एज ए डायरेक्टर के तौर पर कई पोर्संस में बेहतर तरीके से डायरेक्शन करना चाहिए था स्क्रीन प्ले थोड़ा और एंगेजिंग मैनर में लिखा जा सकता था इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको और इफेक्टिव मैनर में एग्जीक्यूट किया जा सकता था चीज़ें और इन्हेंस हो सकती थी जो फिल्म के ओवरऑल रोल जो फिल्म का इम्पेक्ट है और बेहतर कर सकती थी जाह्नवी कपूर का जो रोल था वो काफ़ी कुछ सीन्स के लिए था जहाँ पे उसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज की जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट नज़र आएगी बैक स्टोरी में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है उसको बेहतर किया जा सकता था सैफ अली खान का रोल था जिस तरह से तैयार किया गया था उसको थोड़ा बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से एन टी आर का रोल डेवलप किया गया था उसी तरह क्लाइमेक्स जिस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है उसमें जो शॉकिंग इवेंट्स डाला हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से सभी ऑडियंस के लिए काम नहीं करता है सिवा कोटला ने इस फिल्म के साथ एज अ राइटर डायरेक्टर के तौर पर ठीक ठाक काम किया हुआ है वैसे सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी ठीक थी इमोशनल डेप्थ की कमी नजर आती है वहाँ पे चीज़ें और बेहतर की जा सकती थी सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फिल्म को एक अच्छा खासा टच देता हुआ नजर आता है एक फिल्म को टॉप नॉच पर सीन्स को और बेहतर करने में मदद करता है एडिटिंग फिल्म की आ, मीडियम मीडियम ठीक ठाक थी क्योंकि चीज़ें थोड़ी चॉपअप की जा सकती थी काफ़ी लंबी फिल्म थी जहाँ पे फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी लाजवाब नजर आएगी तो ओवरऑल देवरा एक एक्शन पे एक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो मिलेगा जहाँ पे जूनियर एन अपने कंधे पर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते जाह्नवी कपूर का चांद था वो भी पसंद आएगा आपको सैफ अली खान का भी जो परफॉर्मेंस था वो भी फिल्म को सपोर्ट कर रहा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड्स में कुछ एक्शन सिकॉन्स है जिसको अच्छी तरह से फिल्माया गया है लेकिन एज अ डायरेक्टर के तौर पे डायरेक्टर ने जो काम किया हुआ है उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी जो सीन्स थे उसमें भी सेकंड हाफ में खास करके काफ़ी लेग होते हुए नज़र आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म देख सकते हो तो देवरा फिल्म वैसे वन टाइम वॉच है एन के लिए अगर आप देखना चाहते हो डेफिनेटली एक डिसेंट फिल्म है इसे देखा जा सकता है आचार्य से तो बेहतर फिल्म बनी हुई है आचार्य ही जो फिल्म के डायरेक्टर है यानी कि कौटाला सिवा उन्होंने बनाई थी तो वो फिल्म उतनी कुछ खास थी नहीं लेकिन उससे तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है जिसको थिएट्रिकली 27 सितंबर 2024 को रिलीज़ किया गया था जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा बस था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पर अभी तक इस फिल्म को आई पे करीबन छः पॉइंट आठ के यानी कि अड़सठ सौ की वो रेटिंग मिली हुई है और उसमें से आठ सौ वोट्स में से इस फिल्म ने छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से और इस आई रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया हुआ है हिंदी वर्जन में और तेलुगु वर्जन में तो खास करके फिल्म काफ़ी बढ़िया चल रही है जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले दिन काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था अच्छे खासे प्री बुकिंग चल रही थी जिसके साथ इस फिल्म ने ओवरसीज सॉन इंडिया से मिलाकर अपना पहला का पहले दिन का ग्रोस कलेक्शन वो करीबन एक करोड़ का किया था तो और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया इस कलेक्शन के साथ और सेकंड डे में वो कलेक्शन दो दिनों का टोटल करीबन दो करोड़ बना हुआ है तो करीबन करीबन दूसरे दिन भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सत्तर अस्सी करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म दो दिनों के अंदर करीबन दो करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है तो एक अच्छे का मीडियम ऑफ माउथ के बावजूद भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है डेफ़िनेटली फिल्म अपना ब्रेक ब्रेकिंग टारगेट हासिल कर लेगी क्योंकि भले ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला हो लेकिन फिल्म इस कदर बनी है कि डेफ़िनेटली ऑडियंस के बीच में ये फिल्म कलेक्शन कर जाएगी तो एन टी आर के आर आर के बाद ये सेकंड हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई पहले दिन के लिए जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म थिएट्रिकली रन हो रही है अगर आपको देखना है तो थिएटर में देख सकते हो अदरवाइज़ ओ टी वर्जन के ऊपर बातचीत करो तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन सात आठ वीक के विंडोज़ में आपको ओ पे देखने को मिलेगी ओ राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म के लिए एक करोड़ रुपए दिए हुए करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ऑफिशियली ओ टी नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि देवरा फिल्म फिलहाल में थिएटर में चल रही है अगर ओ में देखना चाहते हो तो थिएटर कल रिलीज के करीबन आठ महीने के बाद ये आठ वीक के बाद यानी कि करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से देवरा फिल्म आप ओ टी टी सेटेलाइट थियेटर इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे देवरा पार्ट वन जो दो हजार चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे इसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में डब करके साथ ही में थिएट्रिकली पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया हुआ है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन कोटाला सिवा ने किया हुआ है सुधाकर मिक्की नैनी कोसरा आ, कोसर राजू हरिकृष्णा नंदमोरी कल्याण राम ने इस फिल्म को करीबन 300 करोड़ के बजट में युवा सुधा आर्ट्स और एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ए फिल्म्स के द्वारा हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे गए सितारा एंटरटेनमेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदे हुए के वी एन प्रोडक्शन और एस एस कार्तिकेय ने जहाँ पे आ, उन्होंने इस फिल्म के लिए कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए नॉर्थ अमेरिका के लिए प्रत्यागीरा सिनेमाज़ और हमसीनी इंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए तमिलनाडु के लिए जो थिएट्रिकल राइट्स है वो एक्वायर किए हुए श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने वहीं पे केरला के लिए वे फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक्वायर किए गए तो ये फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जहाँ पे इन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को आई एम स्क्रीन एक्स डी बॉक्स और एम एक्स फोर फॉर्मेट्स में रिव्यू रिलीज़ किया गया है तो इन अलग अलग फॉर्मेट में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है कास्टिंग में एनटीआर जूनियर लीड रोल में देखने को मिलेंगे सैफ अली खान मीन इंटागोनी से वहीं पे जानवी कपूर ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा श्रुति मराठे प्रकाशा श्रीकांत और साइन टॉम चाको जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म के साथ आपको देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी आर राथन वेलू ने की हुई है फिल्म को एस श्रीकार प्रसाद ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और अट्ठावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अनिरुद्ध रविचंदर के द्वारा फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर कंपोजिशन करवाई गई है तो अनिरुद्ध रविचंदर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो टी सीरीज़ वालों ने सभी वर्जनस के लिए खरीदे हुए फिल्म में आपको टोटल चार्ट ट्रैक सुनने को मिलेंगे जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले इसके अलावा हम इस फिल्म के रिगार्डिंग दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते हैं इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर जानकारी दे तो एन टी आर रामा जूनियर आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक तो है देवरा दूसरा है वरदा यानी कि वारा जो देवरा का बेटा है सैफ अली खान इस फिल्म में भैरव व भैरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा जहनवी कपूर ने तंगम का रोल प्ले किया है जो वरदा का लव इंटरेस्ट है वरदा की माँ देवरा की वाइफ ये रोल है वो श्रुति मराठे ने प्ले किया हुआ है जरीना वहाब ने इस फिल्म में देवरा की माँ और वर्धा की ग्रैंड माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तल्लूरी रामेश्वर ने इस फिल्म में जागुलू का रोल जोगुल्लू का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने सिनप्पा का सिंगप्पा का रोल प्ले किया है श्रीकांत ने रायप्पा का रोल प्ले किया हुआ है साइम टोम चाको ने कोरा का रोल प्ले किया हुआ है नरेंद्र ने इरफान का रोल प्ले किया हुआ है जो कोस्ट गार्ड ऑफिसर है वहीं पे कलाया रासन ने इस फिल्म में कुंजारा का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा को मुरुगा यानी कि पॉलिटिशियन कम स्मगलर का रोल दिया गया है अजय ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है चैत्र राज ने इस फिल्म में भाईरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अम्मी अभिमन्यु सिंह ने इस फिल्म में डीएसपी तुलसी का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी वर्मा ने प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2020 में एनटीआर टी आर रामा राव जूनियर और त्रिविक्रम श्रीनिवास एक फिल्म साथ में करने वाले उनका सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है अरविंद समेता के बाद में टेंटेटिव टाइटल एन टी दिया गया था फिल्म एस राधा कृष्णानंदमुरी कल्याण राम प्रोड्यूस करने वाले थे हरिका हासीन क्रिएशन और एन आर्ट्स के नीचे तो ये अनाउंसमेंट तब सुनने को मिली थी लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई जहाँ पर जुलाई में कन्फर्म किया गया कि कोटाला सिवा एक फिल्म बनाने वाले जहाँ पे वो अल्लाज को लेते हुए ए ट्वेंटी वन बनाने वाले प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सुधा कर्म की नहीं नई उनकी नई कंपनी युवा सुधा आर्ट्स के नीचे प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ उसके बाद में अप्रैल 2021 में कंफर्म किया जाता है कुछ रिपोर्ट से कि रामा राव और सिवा एक बार फिर से कोलाबरेट करते हुए नजर आएंगे जनता गैरेज के बाद में उनका ये सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है फिल्म का टाइटल होने फिल्म को आइडेंटिटी टाइटल एन टी दिया हुआ था क्योंकि एन की तीसवीं फिल्म होने वाली थी एज अ लीड रोल में ऑफिशियली अनाउंसमेंट थी तेरह अप्रैल 2021 को गाड़ी के मौके के ऊपर की गई थी जहाँ पर युवा सुधा आर्ट्स ने इस फिल्म को एन आर्ट्स के द्वारा कोव कोलोबरेट करते हुए प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो उनके द्वारा इस फिल्म को अनाउंस किया गया था हाउ जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि शिवा आचार्य के का फिल्म के प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे वहीं पर रामाव एन टी आर रामा राव है वो आरआरआर फिल्म के साथ जुड़े हुए थे इसके चलते फिल्म को थोड़ा डिले किया गया जहाँ पे शिवा ने एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कमर्शियल अपील वाला तैयार किया हुआ है जहाँ पे उनकी डेब्यू फिल्म थी मिर्ची उससे कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन आचार्य फेल होने के बाद शिवा ने फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया कुछ नेसेसरी चेंजेस किए फाइनल ड्राफ तैयार किया उसके बाद में इस फिल्म को सूट करने का फैसला लिया जिसके चलते प्रोजेक्ट और डिले हुआ जिसके चलते बाप दो आ चुका था और उसके बाद में नवंबर ने शिवा ने प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया था प्रोडक्शन को अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ले जाने का फैसला लिया गया इनिशियली ये फिल्म चौबीस अप्रैल को वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाले थी लेकिन तारक रत्ना और रामाव के जो एकेडमी अवार्ड कैंपियन था आर आर के लिए उसके लिए चीज़ें थोड़ी डिले हुई थी ऑफिशियल लॉन्च था वो बाद में तेईस मार्च पूजा सेरेमनी स्टार्ट करवाई गई थी हैदराबाद में एस एस राजा मौली और कई दूसरे कास्टर क्रू मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए उन्होंने मूर्त शॉर्ट में काम किया था साथ ही में तब प्रेजेंस रहे थे वहीं पर इस फिल्म का टाइटल ऑफिशियली उन्नीस मई दो को देवरा नाम के साथ अनाउंस किया गया वो तब एन का बर्थडे था उस मौके के ऊपर इसको अनाउंस किया गया चार अक्टूबर को सिवा ने अनाउंस किया कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली है क्योंकि फिल्म काफ़ी बड़ी है एक पार्ट में नहीं कंप्लीट हो पाएगी कास्टिंग में बात करें तो पहले जो टेक्निकल टीम है उसमें अनिरुद्ध रविचंद्र को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया सिनेमाटोग्राफी के लिए आर राथन वेलू एडिटिंग के लिए ए श्रीकार प्रदात और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सब्बू सरेल को लिया गया था वहीं पे वी के लिए और कोरियोग्राफी के लिए पहले स्टंट कोरियोग्राफर के लिए केनी बेट्स को लिया गया ब्रेड मेनेच और युगंदर टी को वी एफ के लिए अप्रोच किया गया वहीं पे एक्ट्रेस के ऊपर नाम आया था कि आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर मनोराल ठाकुर रश्मिका मंदना जैसी एक्ट्रेस को लीड रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है ऐसा सुनने में आया था लेकिन कंसिडर किया जा रहा था लेकिन बाद में फाइनली जब अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि जानवी कपूर इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने वाली है उनकी पहली साउथ इंडियन या पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त भी कहा था कि उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हुआ क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि उनको एन टी आर के साथ काम करना है उसके बाद में इस फिल्म में ये सभी अप्रोच कंप्लीट करने के बाद प्रकाश राज मीरा जासमिन को भी एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया धीरे धीरे कल्याई रासन मुरली शर्मा नरन अभिमन्यु सिंह सुरती मराठे जी साइन टोम चाको जैसे एक्टर्स भी फिल्म के साथ जुड़े प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी एक अप्रैल 2023 से हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जाह्नवी कपूर और शैफ अली खान को मिड अप्रैल दो में इस सेट को ज्वाइन किया मई महीने में इस फिल्म के दो वीक जितना ब्रेक लिया गया क्योंकि एन टी आर फैमिली वेकेशंस में गए थे सात जून दो हज़ार तेईस को फिल्म से को फिर से रीशड्यूल करके शूट करना स्टार्ट किया गया तब चौदह दिन जितनी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में एक, एक महीने तक का लंबा ब्रेक रहा इकतीस जुलाई दो हज़ार तेईस तो तक फिल्म को फिर से स्टार्ट करवाया गया इस बार मुंबई की में इस फिल्म की कुछ शूटिंग्स रखी गई थी उसके बाद में फिल्म के अलग अलग लोकेशंस में फिल्म की शूटिंग चली थी जहाँ पर हैदराबाद में एक शेड्यूल चार अक्टूबर दो हज़ार तेईस को रखा गया था कल्याण राम ने रिवील भी कहा था किया था दिसंबर 2023 तक फिल्म की 80 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन प्रोडक्शन टीम ने रिविल किया कि 30 परसेंट जितनी शूटिंग अभी तक कंप्लीट हुई है उसके बाद में आ, सभी चीज़ें आगे बढ़ती रही जहाँ पे बताया गया कि रामा वॉर टू में पार्ट होने वाले लेकिन आ, ये दोनों फिल्म एक साथ टकराने की वजह से चीज़ें कुछ साथ नहीं बैठ रही थी जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग लेट हो रही थी उसके बाद में धीरे 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 फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में वेफ एक्ससी का, का काम कंप्लीट करवाए जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी लंबा रन टाइम रखा गया था इनिशियली रन टाइम था वो करीबन 190 मिनट का कंसीडर किया जा रहा था लेटर ऑन 170 मिनट के आसपास का रन टाइम फाइनलाइज किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी जानकारी दो तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए अनिरुद्ध रविचंदन ने टी सीरीज के पास सभी वजन के गाने थे एल्बर्ट वेन्ट स्टूडियो चेन्नई एम स्टूडियो चेन्नई श्रुति ऑडियो लेब्स हैदराबाद वाइफ स्टूडियो मुंबई वायर स्टूडियो मुंबई स्टूडियो डीएमआई लास वेगस में इस फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में चौथा टोटल चार ट्रैक थे तेलुगु वर्जन में सभी ट्रैक को लिखा हुआ था रामजोग शास्त्री ने इस फिल्म का फर्स्ट ट्रैक रिलीज किया गया था वो था फियर सॉन्ग जिसको उन्नीस मई दो को टी सीरीज के रिलीज करवाया गया था जिसको अनिरुद्ध रविचंदन ने खुद गाया हुआ था चुत्ता मल्ले करके जो गाना है उसको शिल्पा राव ने गाया हुआ था जो सेकंड सिंगल के तौर पे पाँच अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया है दाऊडी गाने गए उसको नाका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था जिसको चार सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस को फोर्थ सिंगल के सॉरी थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया गया था अयोध्या पूजा करके जो गाना था जिसको काला भैरवा ने गाया हुआ था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर छब्बीस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया तो ये टोटल चार गाने रिलीज़ किए गए फिल्म के रिगार्डिंग जो तेरह मिनट चालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसका है हिंदी वर्जन है उसको लिखा उन सभी गानों को रामजोग्या शास्त्री ने हिंदी वर्जन के लिए लिखा हुआ था मलयालम वर्जन के लिए मनकुम्भु गो गोपाल कृष्णा ने लिखा था और वर्धा चिकम्बलमपुरम ने कन्नडा वर्जन के लिए इनके गानों को लिखा हुआ था तो इस तरह से ये सभी गाने थे जहाँ पे हिंदी वर्जन में टाइटल करे तो फियर सॉन्ग धीरे धीरे दाऊडी और अयोध्या पूजा टाइटल दिए गए थे जहाँ पे फियर सॉन्ग को मनोज मुंतासिन ने लिखा था अनिरुद्ध रविचंदन ने गाया था धीरे धीरे गाने को कोषार मुनिर ने लिखा शिल्पा राव ने गाया दाउडी गाने को कोसार मुनिर ने लिखा था नका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था योध्या पूजा गाना को मनोज मुंतासिन ने लिखा था और काला भैयावा ने गाया हुआ था इन सभी गानों को 26 सितंबर 2024 को टी सीरीज के द्वारा तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जनस में रिलीज़ किया गया तो अभी ये सभी गाने बिल्कुल

वो श्रीकांत ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिर कोई कुछ और भी गांव में से बड़े बड़े नाम आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहाँ पे एक पावरफुल फिगर है मुरुगा करके जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहा है एक स्मगलिंग गुड्स स्मगलिंग गुड्स में उसका एक बड़ा नाम है जहाँ पे वो सिप्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें स्मगल करता हुआ नजर आता है देवरा को धीरे धीरे इन सभी रॉन्ग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है लेकिन देवरा के साथ भैरा इन सभी चीज़ों में डिसएग्री करता है उसके बाद में भैरा ट्राई करता है देवरा को मारने के लिए ट्विस्ट तब आता है जब देवरा अचानक से डिसपेयर हो जाता है और अचानक से 20 साल के बाद चीज़ें और पास होने के बाद पता चलती कि भैरा रत्नागिरी में रूल कर रहा है और वो अभी भी देवरा को ढूंढ रहा है मारने के लिए दूसरी तरफ वारा यानी कि देवरा का बेटा है जो एक इनोसेंट और हेल्पलेस है और धीरे धीरे वो भैरा की जो फोर्स है उसको भी ज्वाइन कर लेता है अब वारा और भैरा क्या करना चाहते हैं इसके अलावा क्या ये जो फादर के जो एक का एक विश है वो कंप्लीट हो पाएगी क्या वारा हमें कोई खा, अपने फादर के लिए ख़राब मेमोरी है देवरा एक्चुअली में गया कहाँ है क्या वो जिंदा है भैया क्या उसे पकड़ पाएगा अगर जिंदा है तो अगर ये सभी चीज़ों के बीच में किस तरह से देवरा और उसके बेटे के जो बीच की ट्यूनिंग है वो आपको देखने को मिलती है और देवरा को क्यों मारना चाहता है भाईरा वो सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जूनियर एन इस फिल्म के लिए वन ऑफ़ द मेजर प्लस पॉइंट साबित होते हैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था जहाँ पर वो एक बार फिर से प्रूव करते हुए नज़र आते कि वो एज एक्टर के तौर पे कितने मजबूत हैं उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी बनाए रखती है देवरा पार्ट वन पूरी तरह से वो ऑडियंस के सामने वो अकेले अपने कंधे पे खिंचते हुए नजर आते हैं देवरा और वारा दोनों रोल में देवरा के रोल में उनकी जो ह्यूमिनिटी है डिस्ट्रक्टिवनेस है जिस तरह से उन्होंने उस किरदार में डायलॉग डिलीवरी दी हुई है बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी बढ़िया थी ठीक उसी तरह वारा का जो किरदार था वो पूरी तरह से अपोजिट था एक इनोसेंट था कोवर्ड था तो उन सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली बैलेंस तरीके से एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए सेफ अली खान भाईरा के रोल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस साइन करते हुए नजर आते हैं कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ था उस कैरेक्टर में सेफ अली खान ने जो काम किया हुआ है जिस तरह से देवरा के अगेंस्ट वो रिवेंज चाहता है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था जानवी कपूर को जो भी काम दिया गया था जो म्यूजिक थोड़ा बहुत था थोड़े बड़े थोड़े बहुत सीन्स थे जो फन डायनेमिक एन टी आर के साथ देखने को मिलता है और सभी चीज़ों में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी एक्शन सिक्वेंस फिल्म के काफ़ी बढ़िया थे वो फिल्म के लिए आउट मोमेंट्स में साबित होते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से जो एक एक्शन सीक्वेंस के साथ जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो डायलॉग्स डिलीवरी देखने को मिलते हैं, जो डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं, देवरा के कैरेक्टर के साथ और सभी चीज़ें एक एंटरटेनिंग टच देती हुई नज़र आती है सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेज श्रीकांत प्रकाश दूसरे कई एक्टर्स ने दिए हुए काफ़ी पॉजिटिव मैनर में फिल्म के साथ जाती हुई नजर आती है स्टोरी काफ़ी एंटरटेनिंग थी स्टोरी में काफ़ी नयापन था लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था उसमें उनको एज ए डायरेक्टर के तौर पे कई पोर्स में बेहतर तरीके से डायरेक्शन करना चाहिए था स्क्रीन प्ले थोड़ा और एंगेजिंग मेनर में लिखा जा सकता था इसके अलावा कुछ ऐसे से, सीन्स थे जिसको और इफ़ेक्टिव मेनर में एग्जीक्यूट किया जा सकता था चीज़ें और इनहेंस हो सकती थी जो फिल्म के ओवरऑल रोल जो फिल्म का इंपैक्ट है और बेहतर कर सकती थी जानवी कपूर का जो रोल था वो काफ़ी कुछ सीन्स के लिए था जहाँ पे उसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज की जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट नज़र आएगी बैक स्टोरी में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है उसको बेहतर किया जा सकता था सैफ अली खान का रोल था जिस तरह से तैयार किया गया था उसको थोड़ा बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से एन का रोल डेवलप किया गया था उसी तरह क्लाइमैक्स जिस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है उसमें जो शॉकिंग इवेंट्स डाला हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से सभी ऑडियंस के लिए काम नहीं करता है सिवा कोटला ने इस फिल्म के साथ एज अ राइटर डायरेक्टर के तौर पर ठीक ठाक काम किया हुआ है वैसे सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी ठीक थी इमोशनल डेप्थ की कमी नजर आती है वहां पे चीजें और बेहतर की जा सकती थी सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक काफी बढ़िया था फिल्म का जो फिल्म को एक अच्छा खासा टच देता हुआ नजर आता है एक फिल्म को टॉप नॉच सीन्स को और बेहतर करने में मदद करता है एडिटिंग फिल्म की आ, मीडियम मीडियम ठीक ठाक थी क्योंकि चीज़ें थोड़ी चॉपअप की जा सकती थी काफ़ी लंबी फिल्म थी जहाँ पे फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी लाजवाब नजर आएगी तो ओवरऑल देवरा एक एक्शन पे एक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो मिलेगा जहाँ पे जूनियर एन अपने कंधे पर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते जान्हवी कपूर का चाम था वो भी पसंद आएगा आपको सेफ अली खान का भी जो परफॉर्मेंस था वो भी फिल्म को सपोर्ट कर रहा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड्स में कुछ एक्शन सीखों से जिसको अच्छी तरह से फिल्माया गया है लेकिन एज अ डायरेक्टर के तौर पे डायरेक्टर ने जो काम किया हुआ है उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी जो सीन्स थे उसमें भी सेकंड हाफ में खास करके काफ़ी लेग होते हुए नज़र आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म देख सकते हो तो देवरा फिल्म वैसे वन टाइम वॉच है एन के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो डेफ़िनेटली एक डिसेंट फिल्म है इसे देखा जा सकता है आचार्य से तो बेहतर फिल्म बनी हुई है आचार्य ही जो फिल्म के डायरेक्टर है यानी कि कौटाल सिवा उन्होंने बनाई थी तो वो फिल्म उतनी कुछ खास थी नहीं लेकिन उससे तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है जिसको थिएट्रिकली सत्ताईस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया था जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा बस था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पर अभी तक इस फिल्म को आई पे करीबन छः पॉइंट आठ के यानी कि अड़सठ सौ की वो रेटिंग मिली हुई है और उसमें से अठसठ सौ वोट्स में से इस फिल्म ने छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से और इस आईएमडीबी रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया हुआ है हिंदी वर्जन में और तेलुगु वर्जन में तो खास करके फिल्म काफ़ी बढ़िया चल रही है जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले दिन काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था अच्छी खासी प्री बुकिंग चल रही थी जिसके साथ इस फिल्म ने ओवरसीज और से इंडिया से मिलाकर अपना पहला का पहले दिन का ग्रोस कलेक्शन वो करीबन एक करोड़ का किया था तो और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया इस कलेक्शन के साथ और सेकंड डे में वो कलेक्शन दो दिनों का टोटल करीबन दो करोड़ बना हुआ है तो करीबन करीबन दूसरे दिन भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सत्तर अस्सी करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दो दिनों के अंदर करीबन दो करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है तो एक अच्छे का मीडियम वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है डेफ़िनेटली ये फिल्म अपना ब्रेक एन टारगेट हासिल कर लेगी क्योंकि भले ही मिक्स रिस्पांस मिला हो लेकिन फिल्म इस कदर बनी है कि डेफिनेटली ऑडियंस के बीच में ये फिल्म कलेक्शन कर जाएगी तो एन टी आर के आर आर के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई है पहले दिन के लिए जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म थिएट्रिकली रन हो रही है अगर आपको देखना है तो थिएटर में देख सकते हो अदरवाइज़ ओ वर्जन के ऊपर बातचीत करो तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन सात आठ वीक के विंडोज़ में आपको ओ टी देखने को मिलेगी ओ राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म के लिए एक करोड़ रुपये दिए हुए करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि देवरा फिल्म फिलहाल में थिएटर में चल रही है अगर ओ में देखना चाहते हो तो थिएटर कल रिलीज के करीबन आठ महीने के बाद ये आठ वीक के बाद यानी कि करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से देवरा फिल्म आप ओ टी टी सेटेलाइट थिएटर इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे देवरा पार्ट वन जो 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में डब करके साथ ही में थिएट्रिकली पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया हुआ है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले कोटाला सिवा ने किया हुआ है सुधाकर मिक्की नैनी कोसरा कोसर राजू हरिकृष्णा नंदमोरी कल्याण राम ने इस फिल्म को करीबन 300 करोड़ के बजट में युवा सुधा आर्ट्स और एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ए फिल्म्स के द्वारा हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे गए सितारा एंटरटेनमेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदे हुए हैं के वी प्रोडक्शन और एस एस कार्तिके ने जहाँ पे Uh, उन्होंने इस फिल्म के लिए कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए नॉर्थ अमेरक अमेरिका के लिए प्रत्यागीरा सिनेमाज़ और हमसिन इंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए तमिलनाडु के लिए जो थिएट्रिकल राइट्स है वो एक्वायर किए हुए श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने वहीं पे केरला के लिए वे फेयरर तो फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक्वायर किए गए तो ये फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है जहाँ पे इन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को आई एम एक्स फोर डी एक्स स्क्रीन एक्स डी बॉक्स और एम एक्स फोर डी आई सी फॉर्मेट्स में रिव्यू रिलीज़ किया गया है तो इन अलग अलग फॉर्मेट में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है कास्टिंग में एन टी आर जूनियर लीड रोल में देखने को मिलेंगे सैफ अली खान मेन इंटागोनी से वहीं पे जानवी कपूर ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा श्रुति मराठे प्रकाश राज श्रीकांत और साइन टॉम चाको जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म के साथ आपको देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी आर राथन वेलू ने की हुई है फिल्म को ए श्रीकार प्रसाद ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और अट्ठावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अनिरुद्ध रविचंदर के द्वारा फिल्म के म्यूजिक के ऊपर कंपोजिशन करवाई गई है तो अनिरुद्ध रविचंदर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने सभी वर्जनस के लिए खरीदे हुए फिल्म में आपको टोटल ट्रैक सुनने को मिलेंगे जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसके अलावा हम इस फिल्म के रिगार्डिंग दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते हैं इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर जानकारी दे तो एन टी आर रामाव जूनियर आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक तो है देवरा दूसरा है वरदा यानी कि वारा जो देवरा का बेटा है सैफ अली खान इस फिल्म में भैरावा भैरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा जहनवी कपूर ने तंगम का रोल प्ले किया है जो वरदा का लव इंटरेस्ट है वर्दा की माँ देवरा की वाइफ ये रोल है वो श्रुति मराठे ने प्ले किया हुआ है जरीना वहाब ने इस फिल्म में देवरा की माँ और वर्धा की ग्रैंड माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तल्लूरी रामेश्वर ने इस फिल्म में जागुलू का रोल जोगुलू का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने सिनप्पा का सिंगप्पा का रोल प्ले किया है श्रीकांत ने रायप्पा का रोल प्ले किया हुआ है साइम टोम चाको ने कोरा का रोल प्ले किया हुआ है नरेंद्र ने इरफान का रोल प्ले किया हुआ है जो कोस्ट गार्ड ऑफिसर है वहीं पे कलाया रासन ने इस फिल्म में कुंजारा का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा को मुरुगा यानी कि पॉलिटिशियन कम स्मगलर का रोल दिया गया है अजय ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है चैत्र राज ने इस फिल्म में भैया की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अम्मी अभिमन्यु सिंह ने इस फिल्म में डीएसपी तुलसी का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी वर्मा ने प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2020 में एनटीआर टी रामा राव जूनियर और त्रिविक्रम श्रीनिवास एक फिल्म साथ में करने वाले उनका सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है अरविंद समेता के बाद में टेंटेटिव टाइटल एन टी आर दिया गया था फिल्म एस राधा कृष्णा नंदमुरी कल्याण राम प्रोड्यूस करने वाले थे हरिका हासीन क्रिएशन और एन आर्ट्स के नीचे तो ये अनाउंसमेंट तब सुनने को मिली थी लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई जहां पे जुलाई में कंफर्म किया गया कि कौटाला सिवा एक फिल्म बनाने वाले जहाँ पे वो अर्जुन को लेते हुए ए ट्वेंटी वन बनाने वाले प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सुधा कर्मी की नई नई उनकी नई कंपनी युवा सुधा आर्ट्स के नीचे प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ उसके बाद में अप्रैल 2021 में कंफर्म किया जाता है कुछ रिपोर्ट से कि रामा राव और सिवा एक बार फिर से कोलाबरेट करते हुए नजर आएंगे जनता गैरेज के बाद में उनका यह सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है फिल्म का टाइटल होने फिल्म को आइटेंटिटी टाइटल एन टी दिया हुआ था क्योंकि एन की तीसवीं फिल्म होने वाली थी एज अ लीड रोल में ऑफिशियली अनाउंसमेंट तेरह अप्रैल दो हज़ार इक्कीस को गाड़ी के मौके के ऊपर की गई थी जहाँ पर युवा सुधा आर्ट्स ने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट्स के द्वारा कोवर कोलोबरेट करते हुए प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो उनके द्वारा इस फिल्म को अनाउंस किया गया था हाउ एवर जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि शिवा आचार्य के का फिल्म के प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे वहीं पर रामाव एन टी आर रामा राव है रा वो आर 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 फिल्म के साथ जुड़े हुए थे इसके चलते फिल्म को थोड़ा डिले किया गया है जहाँ पर शिवा ने एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कमर्शियल अपील वाला तैयार किया हुआ है जहाँ पे उनकी डेब्यू फिल्म थी मिर्ची उससे कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अच्छा आचार्य फेल होने के बाद शिवा ने फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया कुछ नेसेसरी चेंजेस किए फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया जिसके चलते प्रोजेक्ट और डिले हुआ जिसके चलते बाप दो आ चुका था और उसके बाद में नवंबर ने शिवा ने प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया था प्रोडक्शन को अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ले जाने का फैसला लिया गया इनिशियली ये फिल्म चौबीस अप्रैल को वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाले थी लेकिन तारक रत्ना और रामा रव के जो एकेडमी अवार्ड कैंपेन था आर आर के लिए उसके लिए चीज़ें थोड़ी डिले हुई थी ऑफिशियल लॉन्च था वो बाद में 23 मार्च पूजा सेरेमनी स्टार्ट करवाई गई थी हैदराबाद में एस एस राजा मौली और कई दूसरे कास्टर क्रू मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए उन्होंने मूर्त शॉट में काम किया होता साथ ही में तब प्रेजेंस रहे थे वहीं पे इस फिल्म का टाइटल ऑफिशियली 19 मई 2023 को देवरा नाम के साथ अनाउंस किया गया वो तब एन का बर्थडे था उस मौके के ऊपर इसको अनाउंस किया गया चार अक्टूबर को सिवा ने अनाउंस किया कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली क्योंकि फिल्म काफ़ी बड़ी है एक पार्ट में नहीं कम्प्लीट हो पाएगी कास्टिंग में बात करें तो पहले जो टेक्निकल टीम है उसमें अनिरुद्ध रविचंद्र को म्यूज़िक के लिए अप्रोच किया गया सिनेमाटोग्राफी के लिए आर राथन वेलू एडिटिंग के लिए ए श्रीकार प्रदास और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सब्बू सुरल को लिया गया था वहीं पे वी के लिए और कोरियोग्राफी के लिए पहले स्टंट कोरियोग्राफर के लिए केनी बेट्स को लिया गया ब्रेड मेनेज और युगंदर टी को वी एफ एक्स के लिए अप्रोच किया गया वहीं पर एक्ट्रेस के ऊपर नाम आया था कि आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर मनोराल ठाकुर रश्मिका मंदना जैसी एक्ट्रेस को लीड रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है ऐसा सुनने में आया था लेकिन कंसीडर किया जा रहा था लेकिन बाद में फाइनली जब अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि जान्हवी कपूर इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने वाले उनकी ये पहली साउथ इंडियन या पहली तेलुगू फिल्म होने वाली उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त भी कहा था कि उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हुआ क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि उनको एन के साथ काम करना है उसके बाद में इस फिल्म में ये सभी अप्रोच कंप्लीट करने के बाद प्रकाश राज मीरा जासमिन को भी एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया धीरे धीरे कल्याई रासन मुरली शर्मा नरेंन अभिमन्यु सिंह श्रुति मराठे जी साइन टोम चाको जैसे एक्टर्स भी फिल्म के साथ जुड़े प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी एक अप्रैल 2023 से हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जानवी कपूर और सैफ अली खान को मिड अप्रैल 2000 में इस सेट को ज्वाइन किया मई महीने में इस फिल्म के दो वीक जितना ब्रेक लिया गया क्योंकि एन टी आर फैमिली वेकेशंस में गए थे सात जून 2023 को फिल्म से को फिर से रिशेड्यूल करके शूट करना स्टार्ट किया गया तब चौदह दिन जितनी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में एक एक महीने तक का लंबा ब्रेक रहा इकतीस जुलाई दो हज़ार तेईस तो तक फिल्म को फिर से स्टार्ट करवाया गया इस बार मुंबई की में इस फिल्म की कुछ शूटिंग्स रखी गई थी उसके बाद में फिल्म के अलग 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 लोकेशंस में फिल्म की शूटिंग चली थी जहाँ पर हैदराबाद में एक शेड्यूल चार अक्टूबर दो को रखा गया था कल्याण राम ने रिवील भी कहा था किया था दिसंबर 2023 तक फिल्म की 80 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन प्रोडक्शन टीम ने रिवील किया कि 30 परसेंट जितनी शूटिंग अभी तक कंप्लीट हुई है उसके बाद में आ, सभी चीज़ें आगे बढ़ती रही जहां पे बताया गया कि रामा राव वॉर टू में पार्ट होने वाले लेकिन आ, ये दोनों फिल्म एक साथ टकराने की वजह से चीज़ें कुछ साथ नहीं बैठ रही थी जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग लेट हो रही थी उसके बाद में धीरे 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 फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में वे एफ एक्स सी जी आई का, का काम कम्प्लीट करवाए जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी लंबा रन टाइम रख रखा गया था इनिशियली रन टाइम था वो करीबन 190 मिनट का कंसीडर किया जा रहा था लेटर ऑन 170 मिनट के आसपास का रन टाइम फाइनलाइज किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट लिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी जानकारी दो तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए अनरुद्ध रविचंदन ने टी सीरीज के पास सभी वजन के गाने थे एल्बेन स्टूडियो चेन्नई एम स्टूडियो चेन्नई श्रुति ऑडियो लेब्स हैदराबाद वाइफ स्टूडियो मुंबई वायर स्टूडियो मुंबई स्टूडियो डीएमआई लास वेगस में इस फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में चौथा टोटल चार ट्रैक थे तेलुगु वर्जन में सभी ट्रैक को लिखा हुआ था रामजोग्य शास्त्री ने इस फिल्म का फर्स्ट ट्रैक रिलीज किया गया था वो था फियर सॉन्ग जिसको उन्नीस मई दो को टी सीरीज के रिलीज करवाया गया था जिसको अनिरुद्ध रविचंदन ने खुद गाया हुआ था चुत्ता मल्लकर के जो गाना है उसको शिल्पा राव ने गाया हुआ था जो सेकंड सिंगल के तौर पे पांच अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज किया गया दाऊड़ी गाने गए उसको नाका अजीज और आकाश सिंह ने गाया था जिसको चार सितंबर दो हजार चौबीस को फोर्थ सिंगल के सॉरी थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज किया गया था अयोध्या पूजा करके जो गाना था जिसको काला भैरवा ने गाया हुआ था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर छब्बीस सेप्टेंबर दो को रिलीज किया गया तो ये टोटल चार गाने रिलीज़ किए गए फिल्म के रिगार्डिंग जो तेरह मिनट चालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसका है हिंदी वर्जन है उसको लिखा उन सभी गानों को रामजोग्या शास्त्री ने हिंदी वर्जन के लिए लिखा हुआ था मलयालम वर्जन के लिए मनकुम्भु गो गोपाल कृष्णा ने लिखा था और वर्धा चिकम्बलमपुरम ने कन्नडा वर्जन के लिए इनके गानों को लिखा हुआ था तो इस तरह से ये सभी गाने थे जहाँ पे हिंदी वर्जन में टाइटल करें तो फीयर सॉन्ग धीरे धीरे दाउडी और अयोध्या पूजा टाइटल दिए गए थे जहाँ पे फियर सॉन्ग को मनोज मुंतासिर ने लिखा था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया था धीरे धीरे गाने को कोषार मुनिर ने लिखा शिल्पा राव ने गाया दाऊड़ी गाने को कोसार मुनिर ने लिखा था नका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था अयोध्या पूजा गाना को मनोज मुंतासिर ने लिखा था और काला भईराव ने गाया हुआ था इन सभी गानों को 26 सितंबर 2024 हजार चौबीस सीरीज के द्वारा तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में रिलीज किया गया तो अभी ये सभी गाने बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आसानी से सुनने को मिल जाएंगे कहानी के ऊपर थोड़ी चर्चा करते इस फिल्म की कहानी रत्नागिरी करके एक एरिया है कोस्टल विलेज है जो रेड सी के नज़दीक है वहाँ पे सेट की हुई है जहाँ पे देवरा नाम का एक किरदार है उसके ऊपर पूरी फिल्म को मेनली फीचर किया हुआ है जो जूनियर एन रोल प्ले करे इसके अलावा भाईरा करके एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो सैफ अली खान ने प्ले किया हुआ है रैप्पा करके जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो श्रीकांत ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिर कोई कुछ और भी गांव में से बड़े बड़े नाम आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहाँ पे एक पावरफुल फिगर है मुरुगा करके जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहा है एक स्मगलिंग गुड्स स्मगलिंग गुड्स में वो उसका एक बड़ा नाम है जहाँ पे वो सिप्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें स्मगल करता हुआ नजर आता है देवरा को धीरे धीरे इन सभी रॉन्ग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है लेकिन देवरा के साथ भैरा इन सभी चीज़ों में डिसएग्री करता है उसके बाद में भैरा ट्राई करता है देवरा को मारने के लिए ट्विस्ट तब आता है जब देवरा अचानक से डिसपेयर हो जाता है और अचानक से 20 साल के बाद चीज़ें और पास होने के बाद पता चलती कि भैरा रत्नागिरी में रूल कर रहा है और वो अभी भी देवरा को ढूंढ रहा है मारने के लिए दूसरी तरफ वारा यानी कि देवरा का बेटा है जो एक इनोसेंट और हेल्पलेस है और धीरे धीरे वो भैरा की जो फोर्स है उसको भी ज्वाइन कर लेता है अब वारा और भैरा क्या करना चाहते हैं इसके अलावा क्या ये जो फादर की जो एक का एक विश है वो कंप्लीट हो पाएगी क्या वारा हमें कोई खा अपने फादर के लिए ख़राब मेमोरी है देवरा एक्चुअली में गया कहाँ है क्या वो जिंदा है भैया क्या उसे पकड़ पाएगा अगर ज़िंदा है तो अगर ये सभी चीज़ों के बीच में किस तरह से देवरा और उसके बेटे के जो बीच की ट्यूनिंग है वो आपको देखने को मिलती है और देवरा को क्यों मारना चाहता है भाईरा वो सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जूनियर एन इस फिल्म के लिए वन ऑफ द मेजर प्लस पॉइंट साबित होते हैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से इस्टबलिश किया हुआ था जहाँ पर वो एक बार फिर से प्रूव करते हुए नज़र आते कि वो एज एक्टर के तौर पे कितने मजबूत हैं उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी बनाए रखती है देवरा पार्ट वन पूरी तरह से वो ऑडियंस के सामने वो आ, अकेले अपने कंधे पे खिंचते हुए नजर आते हैं देवरा और वारा दोनों रोल में देवरा के रोल में उनकी जो ह्यूमिनिटी है डिस्ट्रक्टिवनेस है जिस तरह से उन्होंने उस किरदार में डायलॉग डिलीवरी दी हुई है बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी बढ़िया थी ठीक उसी तरह वारा का जो किरदार था वो पूरी तरह से अपोजिट था एक इनोसेंट था कॉवर्ड था तो उन सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली बैलेंस तरीके से एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई सेफ अली खान भाईरा के रोल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस साइन करते हुए नज़र आते कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ था उस कैरेक्टर में सेफ अली खान ने जो काम किया हुआ है जिस तरह से देवरा के अगेंस्ट वो रिवेंज चाहता है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था जानवी कपूर को जो भी काम दिया गया था जो म्यूजिक थोड़ा बहुत था थोड़े बड़े थोड़े बहुत सीन्स थे जो फन डायनेमिक एन टी आर के साथ देखने को मिलता है और सभी चीज़ों में वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी एक्शन सिक्वेंस फिल्म के काफ़ी बढ़िया थे वो फिल्म के लिए स्टैंड आउट मोमेंट्स में साबित होते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से जो एक एक्शन सिक्वेंस के साथ जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो डायलॉग्स डिलीवरी देखने को मिलते हैं जो डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं देवरा के कैरेक्टर के साथ और सभी चीज़ें एक एंटरटेनिंग टच देती हुई नजर आती है सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेज श्रीकांत प्रकाश दूसरे कई एक्टर्स ने दिए हुए काफ़ी पॉजिटिव मैनर में फिल्म के साथ जाती हुई नजर आती है स्टोरी काफ़ी एंटरटेनिंग थी स्टोरी में काफ़ी नयापन था लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था उसमें उनको एज ए डायरेक्टर के तौर पर कई पोर्स में बेहतर तरीके से डायरेक्शन करना चाहिए था स्क्रीन प्ले थोड़ा और एंगेजिंग मेनर में लिखा जा सकता था इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको और इफेक्टिव मेनर में एग्जीक्यूट किया जा सकता था चीज़ें और इनहेंस हो सकती थी जो फिल्म के ओवरऑल जो फिल्म का इम्पेक्ट है और बेहतर कर सकती थी जानवी कपूर का जो रोल था वो काफ़ी कुछ सीन्स के लिए था जहाँ पे उसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज की जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट नज़र आएगी बैक स्टोरी में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है उसको बेहतर किया जा सकता था सैफ अली खान का रोल था जिस तरह से तैयार किया गया था उसको थोड़ा बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से एन टी आर का रोल डेवलप किया गया था उसी तरह क्लाइमेक्स जिस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है उसमें जो शॉकिंग इवेंट्स डाला हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से सभी ऑडियंस के लिए काम नहीं करता है सिवा कोटला ने इस फिल्म के साथ एज अ राइटर डायरेक्टर के तौर पर ठीक ठाक काम किया हुआ है वैसे सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी ठीक थी इमोशनल डेप्थ की कमी नजर आती है वहाँ पे चीज़ें और बेहतर की जा सकती थी सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फिल्म को एक अच्छा खासा टच देता हुआ नजर आता है एक फिल्म को टॉप नॉच सीन्स को और बेहतर करने में मदद करता है एडिटिंग फिल्म की आ, मीडियम मीडियम ठीक ठाक थी क्योंकि चीज़ें थोड़ी चॉपअप की जा सकती थी काफ़ी लंबी फिल्म थी जहाँ पे फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी लाजवाब नजर आएगी तो ओवरऑल देवरा एक एक्शन पे एक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो मिलेगा जहाँ पे जूनियर एन अपने कंधे पर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते थे कपूर का चांद था वो भी पसंद आएगा आपको सेफ अली खान का भी जो परफॉर्मेंस था वो भी फिल्म को सपोर्ट कर रहा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड्स में कुछ एक्शन सिकॉन्स है जिसको अच्छी तरह से फिल्माया गया है लेकिन एज अ डायरेक्टर के तौर पे डायरेक्टर ने जो काम किया हुआ है उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी जो सीन्स थे उसमें भी सेकंड हाफ में खास करके काफ़ी लेग होते हुए नज़र आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म देख सकते हो तो देवरा फिल्म वैसे वन टाइम वॉच है एन के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली एक डिसेंट फिल्म है इसे देखा जा सकता है आचार्य से तो बेहतर फिल्म बनी हुई है आचार्य ही जो फिल्म के डायरेक्टर है यानी कि कौटाल सिवा उन्होंने बनाई थी तो वो फिल्म उतनी कुछ खास थी नहीं लेकिन उससे तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है जिसको थिएट्रिकली सत्ताईस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया था जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा बस था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पर अभी तक इस फिल्म को आई पे करीबन छः पॉइंट आठ के यानी कि अड़सठ सौ की वो रेटिंग मिली हुई है और उसमें से आठसठ सौ वोट्स में से इस फिल्म ने छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से और इस आई रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया हुआ है हिंदी वर्जन में और तेलुगु वर्जन में तो खास करके फिल्म काफ़ी बढ़िया चल रही है जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले दिन काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था अच्छी खासी प्री बुकिंग चल रही थी जिसके साथ इस फिल्म ने ओवरसीज ऑन इंडिया से मिलाकर अपना पहला का पहले दिन का ग्रोस कलेक्शन वो करीबन एक करोड़ का किया था तो और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया इस कलेक्शन के साथ और सेकंड डे में वो कलेक्शन दो दिनों का टोटल करीबन दो करोड़ बना हुआ है तो करीबन करीबन दूसरे दिन भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सत्तर अस्सी करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस भी फिल्म दो दिनों के अंदर करीबन दो करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है तो एक अच्छे का मीडियम वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है डेफ़िनेटली फिल्म अपना ब्रेक ब्रेकिंग टारगेट हासिल कर लेगी क्योंकि भले ही मिक्स रिस्पांस मिला हो लेकिन फिल्म इस कदर बनी है कि डेफिनेटली ऑडियंस के बीच में ये फिल्म कलेक्शन कर जाएगी तो एन टी आर के आर आर के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुए पहले दिन के लिए जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म थिएट्रिकली रन हो रही है अगर आपको देखना है तो थिएटर में देख सकते हो अदरवाइज ओ टी टी वर्जन के ऊपर बातचीत करो तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन सात आठ वीक के विंडोज में आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी ओ टी टी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म के लिए एक सौ पचपन करोड़ दिए हुए करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ऑफिशियली टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिशल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि देवरा फिल्म फिलहाल में थिएटर में चल रही है अगर ओ में देखना चाहते हो तो थिएटर कल रिलीज के करीबन आठ महीने के बाद ये आठ वीक के बाद यानी कि करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से देवरा फिल्म आप ओटीटी सेटेलाइट थिएटर इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे देवरा पार्ट वन जो 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे इसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में डब करके साथ ही में थिएट्रिकली पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया हुआ है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन कोटाला सिवा ने किया हुआ है सुधाकर मिक्की नैनी कोसरा कोसर राजू हरिकृष्णा नंदमुरी कल्याण राम ने इस फिल्म को करीबन 300 करोड़ के बजट में युवा सुधा आर्ट्स और एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ए फिल्म के द्वारा हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे गए सितारा एंटरटेनमेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदे हुए के वी प्रोडक्शन और एसएस एस कार्तिकेय ने जहां पे Uh, उन्होंने इस फिल्म के लिए कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए नॉर्थ अमेरक अमेरिका के लिए प्रत्यागीरा सिनेमाज़ और हमसिन इंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए तमिलनाडु के लिए जो थिएट्रिकल राइट्स है वो एक्वायर किए हुए श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने वहीं पे केरला के लिए वे फेयर फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक्वायर किए गए तो ये फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है जहाँ पर इन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को आई एम एक्स फोर डी एक्सन एक्स डी बॉक्स और एम एक्स फोर डी आई सी फॉर्मेट्स में रिव्यू रिलीज़ किया गया है तो इन अलग अलग फॉर्मेट में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है कास्टिंग में एन टी आर जूनियर लीड रोल में देखने को मिलेंगे सैफ अली खान मेन इंटागोनी है वहीं पे जानवी कपूर ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा श्रुति मराठे प्रकाश श्रीकांत और साइन टॉम चाको जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म के साथ आपको देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी आर राथन वेलू ने की हुई है फिल्म को एस श्रीकार प्रसाद ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और अट्ठावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अनिरुद्ध रविचंदर के द्वारा फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर कंपोजिशन करवाई गई है तो अनिरुद्ध रविचंदर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो टी सीरीज़ वालों ने सभी वर्जनस के लिए खरीदे हुए फिल्म में आपको टोटल ट्रैक सुनने को मिलेंगे जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसके अलावा हम इस फिल्म के रिगार्डिंग दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते हैं इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर जानकारी दे तो एन टी आर रामा जूनियर आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक तो है देवरा दूसरा है वरदा यानी कि वारा जो देवरा का बेटा है सैफ अली खान इस फिल्म में भैराव भैरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा जहनवी कपूर ने तंगम का रोल प्ले किया है जो वरदा का लव इंटरेस्ट है वरदा की माँ देवरा की वाइफ ये रोल है वो श्रुति मराठे ने प्ले किया हुआ है जरीना वहाब ने इस फिल्म में देवरा की माँ और वर्धा की ग्रैंड माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तल्लूरी रामेश्वर ने इस फिल्म में जागुलू का रोल जोगुलू का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने सिनप्पा का सिंगप्पा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत ने रायप्पा का रोल प्ले किया हुआ है साइम टोम चाको ने कोरा का रोल प्ले किया हुआ है नरेंद्र ने इरफान का रोल प्ले किया हुआ है जो कोस्ट गार्ड ऑफिसर है वहीं पे कलाया रासन ने इस फिल्म में कुंजारा का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा को मुरुगा यानी कि पॉलिटिशियन कम स्मगलर का रोल दिया गया है अजय ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है चैत्र राज ने इस फिल्म में भैरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आ, अम्मी अभिमन्यु सिंह ने इस फिल्म में डीएसपी तुलसी का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी वर्मा ने प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2020 में एन टी आर रामा राव जूनियर और त्रिविक्रम श्रीनिवास एक फिल्म साथ में करने वाले उनका सेकंड कोलोब्रेशन होने वाला है अरविंद समेता के बाद में एन टाइटल एन टी आर दिया गया था फिल्म एस राधा कृष्णा नंदमुरी कल्याण राम प्रोड्यूस करने वाले थे हरिका हासिन क्रिएशन और एन आर्ट्स के नीचे तो ये अनाउंसमेंट तब सुनने को मिली थी लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई जहां पे जुलाई में कंफर्म किया गया कि कोटाला सिवा एक फिल्म बनाने वाले जहाँ पे वो अल्लू अर्जुन को लेते हुए ए ट्वेंटी वन बनाने वाले प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सुधा कर्म की नई उनकी नई कंपनी युवा सुधा आर्ट्स के नीचे प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ उसके बाद में अप्रैल 2021 में कंफर्म किया जाता है कुछ रिपोर्ट से कि राव और शिवा एक बार फिर से कोलाबरेट करते हुए नजर आएंगे जनता गैरेज के बाद में उनका ये सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है फिल्म का टाइटल होने फिल्म को टेंटेटिव टाइटल एन टी आर दिया हुआ था क्योंकि एन टी आर की तीसवीं फिल्म होने वाली थी एज अ लीड रोल में ऑफिशियली अनाउंसमेंट थी तेरह अप्रैल 2021 को उगाड़ी के मौके के ऊपर की गई थी जहां पे युवा सुधा आर्ट्स ने इस फिल्म को एन आर्ट्स के द्वारा कोव कोलाबरेट करते हुए प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो उनके द्वारा इस फिल्म को अनाउंस किया गया था हाउ जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि शिवा आचार्य के का फिल्म के प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे वहीं पर रामाव एन टी रामा राव है वो आरआरआर फिल्म के साथ जुड़े हुए थे इसके चलते फिल्म को थोड़ा डिले किया गया जहां पे शिवा ने एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कमर्शियल अपील वाला तैयार किया हुआ है जहाँ पर उनकी डेब्यू फिल्म थी मिर्ची उससे कंपेरिजन करें तो उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अच्छा आचार्य फेल होने के बाद शिवा ने फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया कुछ नेसेसरी चेंजेस किए फाइनल राप तैयार किया उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फ़ैसला लिया जिसके चलते प्रोजेक्ट और डिले हुआ जिसके चलते बाप दो आ चुका था और उसके बाद में नवंबर ने शिवा ने प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया था प्रोडक्शन को अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ले जाने का फैसला लिया गया इनिशियली ये फिल्म चौबीस अप्रैल को वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाले थे लेकिन तारक रत्ना और रामा रव के जो एकेडमी अवार्ड कैंपियन था आर आर के लिए उसके लिए चीज़ें थोड़ी डिले हुई थी ऑफिशियल लॉन्च था वो बाद में 23 मार्च पूजा सेरेमनी स्टार्ट करवाई गई थी हैदराबाद में एस एस राजा मौली और कई दूसरे कास्टर क्रू मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए उन्होंने मूरत शोट में काम किया होता साथ ही में तब प्रेजेंस रहे थे वहीं पे इस फिल्म का टाइटल ऑफिशियली 19 मई 2023 को देवरा नाम के साथ अनाउंस किया गया वो तब एनटीआर का बर्थडे था उस मौके के ऊपर इसको अनाउंस किया गया चार अक्टूबर को सिवा ने अनाउंस किया कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली है क्योंकि फिल्म काफ़ी बड़ी है एक पार्ट में नहीं कम्प्लीट हो पाएगी कास्टिंग में बात करें तो पहले जो टेक्निकल टीम है उसमें अनिरुद्ध रविचंद्र को म्यूज़िक के लिए अप्रोच किया गया सिनेमाटोग्राफी के लिए आर राथन वेलू एडिटिंग के लिए ए श्रीकार प्रदास और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सब्बू सरेल को लिया गया था वहीं पे वी के लिए और कोरियोग्राफी के लिए पहले स्टंट कोरियोग्राफर के लिए केनी बेट्स को लिया गया ब्रेड मैनेच और युगेंदर टी को वी के लिए अप्रोच किया गया वहीं पे एक्ट्रेस के ऊपर नाम आया था कि आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर मनोराल ठाकुर रश्मिका मंदना जैसी एक्ट्रेस को लीड रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है ऐसा सुनने में आया था लेकिन कंसिडर किया जा रहा था लेकिन बाद में फाइनली जब अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि जानवी कपूर इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने वाली है उनकी ये पहली साउथ इंडियन या पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त भी कहा था कि उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हुआ क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि उनको एन के साथ काम करना है उसके बाद में इस फिल्म में ये सभी अप्रोच कंप्लीट करने के बाद प्रकाश राज मीरा जासमिन को भी एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया धीरे धीरे कल्याई रासन मुरली शर्मा नरैन अभिमन्यु सिंह सुवती मराठे साइन टोम चाको जैसे एक्टर्स भी फिल्म के साथ जुड़े प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी एक अप्रैल 2023 से हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जानवी कपूर और सैफ अली खान को मिड अप्रैल दो में इस सेट को ज्वाइन किया मई महीने में इस फिल्म के दो वीक जितना ब्रेक लिया गया क्योंकि एन टी आर फैमिली वेकेशन्स में गए थे सात जून दो हज़ार तेईस को फिल्म से को फिर से रीशड्यूल करके शूट करना स्टार्ट किया गया तब चौदह दिन जितनी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में एक, एक महीने तक का लंबा ब्रेक रहा इक्कीस जुलाई दो हज़ार तेईस तो तक फिल्म को फिर से स्टार्ट करवाया गया इस बार मुंबई की मैं इस फिल्म की कुछ शूटिंग्स रखी गई थी उसके बाद में फिल्म के अलग 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 लोकेशंस में फिल्म की शूटिंग चली थी जहाँ पर हैदराबाद में एक शेड्यूल चार अक्टूबर दो को रखा गया था कल्याण राम ने रिवील भी कहा था किया था दिसंबर 2023 तक फिल्म की 80 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन प्रोडक्शन टीम ने रिविल किया कि 30 परसेंट जितनी शूटिंग अभी तक कंप्लीट हुई है उसके बाद में सभी चीज़ें आगे बढ़ती रही जहाँ पर बताया गया कि रामा राव वॉर टू में पार्ट होने वाले लेकिन आ, ये दोनों फिल्म एक साथ टकराने की वजह से चीज़ें कुछ साथ नहीं बैठ रही थी जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग लेट हो रही थी उसके बाद में धीरे 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 फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में वेफ एक्ससी का, का काम कम्प्लीट करवाए जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी लंबा रन टाइम रखा गया था इनिशियली रन टाइम था वो करीबन 190 मिनट का कंसीडर किया जा रहा था लेटर ऑन 170 मिनट के आसपास का रन टाइम फाइनलाइज किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट लिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी जानकारी दो तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए निरुद्ध रविचंदन ने टी सीरीज के पास सभी वजन के गाने थे एल्बर्ट क्वेन स्टूडियो चेन्नई एम स्टूडियो चेन्नई श्रुति ऑडियो लेब्स हैदराबाद वाइफ स्टूडियो मुंबई वाई स्टूडियो मुंबई स्टूडियो डीएमआई लास वेगस मिस फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में चौथा टोटल चार ट्रैक थे तेलुगू वजन में सभी ट्रैक को लिखा हुआ था रामजोग शास्त्री ने इस फिल्म का फर्स्ट ट्रैक रिलीज किया गया था वो था फियर सॉन्ग जिसको उन्नीस मई दो को टी सीरीज के रिलीज करवाया गया था जिसको अनिरुद्ध रविचंदन ने खुद गाया हुआ था चुत्ता मल्लकर के जो गाना है उसको शिल्पा राव ने गाया हुआ था जो सेकंड सिंगल के तौर पे पाँच अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया दाऊड़ी गाने गए उसको नाका अजीज और आकाश सिंह ने गाया था जिसको चार सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस को फोर्थ सिंगल के सॉरी थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया गया था अयोध्या पूजा करके जो गाना था जिसको काला भैरवा ने गाया हुआ था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर छब्बीस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया तो ये टोटल चार गाने रिलीज़ किए गए फिल्म के रिगार्डिंग जो तेरह मिनट चालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसका है हिंदी वर्जन है उसको लिखा उन सभी गानों को रामजोग शास्त्री ने हिंदी वर्जन के लिए लिखा हुआ था मलयालम वर्जन के लिए मनकुम्भु गो गोपाल कृष्णा ने लिखा था और वर्धा चिकम्बलमपुरम ने कन्नड़ा वर्जन के लिए इनके गानों को लिखा हुआ था तो इस तरह से ये सभी गाने थे जहाँ पे हिंदी वर्जन में टाइटल करें तो फीयर सॉन्ग धीरे धीरे दाऊडी और अयोध्या पूजा टाइटल दिए गए थे जहाँ पे फियर सॉन्ग को मनोज मुंतासिन ने लिखा था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया था धीरे धीरे गाने को कोसार मुनिर ने लिखा शिल्पा राव ने गाया दाऊडी गाने को कोसार मुनिर ने लिखा था नका अजीज और आकाश सिंह ने गाया था योध्या पूजा गाना को मनोज मुंतासिन ने लिखा था और काला भैयावा ने गाया हुआ था इन सभी गानों को 26 सितंबर 2024 को तीर्थ सीरीज के द्वारा तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जनस में रिलीज़ किया गया तो अभी ये सभी गाने बिल्कुल फ्रेम में फ्रेम्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आसानी से सुनने को मिल जाएंगे कहानी के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं इस फिल्म की कहानी रत्नागिरी करके एक एरिया है कोस्टल विलेज है जो रेड सी के नज़दीक है वहाँ पे सेट की हुई है जहाँ पे देवरा नाम का एक किरदार है उसके ऊपर पूरी फिल्म को मेनली फीचर किया हुआ है जो जूनियर एन टी आर रोल प्ले करे इसके अलावा भाईरा करके कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो सैफ अली खान ने प्ले किया हुआ है रैप्पा करके जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो श्रीकांत ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिर कोई कुछ और भी गांव में से बड़े बड़े नाम आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहाँ पे एक पावरफुल फिगर है मुरुगा करके जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहा है एक स्मगलिंग गुड्स स्मगलिंग गुड्स में उसका एक बड़ा नाम है जहाँ पे वो शिप्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें स्मगल करता हुआ नजर आता है देवरा को धीरे धीरे इन सभी रॉन्ग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है लेकिन देवरा के साथ भैरा इन सभी चीज़ों में डिसएग्री करता है उसके बाद में भैरा ट्राई करता है देवरा को मारने के लिए ट्विस्ट तब आता है जब देवरा अचानक से डिसअपियर हो जाता है और अचानक से 20 साल के बाद चीज़ें और पास होने के बाद पता चलती कि भैरा रत्नागिरी में रूल कर रहा है और वो अभी भी देवरा को ढूंढ रहा है मारने के लिए दूसरी तरफ वारा यानी कि देवरा का बेटा है जो एक इनोसेंट और हेल्पलेस है और धीरे धीरे वो भैरा की जो फोर्स है उसको भी ज्वाइन कर लेता है अब वाराली और भैरा क्या करना चाहते हैं इसके अलावा क्या ये जो फादर की जो एक का एक विश है वो कंप्लीट हो पाएगी क्या वारा हमें कोई अपने फादर के लिए ख़राब मेमोरी है कि देवरा एक्चुअली में गया कहाँ है क्या वो जिंदा है भैया क्या उसे पकड़ पाएगा अगर ज़िंदा है तो अगर ये सभी चीज़ों के बीच में किस तरह से देवरा और उसके बेटे के जो बीच की ट्यूनिंग है वो आपको देखने को मिलती है और देवरा को क्यों मारना चाहता है भाईरा वो सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी पनाती है जूनियर एन इस फिल्म के लिए वन ऑफ़ द मेजर प्लस पॉइंट साबित होते हैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था जहाँ पर वो एक बार फिर से प्रूव करते हुए नज़र आते कि वो एज एक्टर के तौर पे कितने मजबूत हैं उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी बनाए रखती है देवरा पार्ट वन पूरी तरह से वो ऑडियंस के सामने वो अकेले अपने कंधे पे खिंचते हुए नजर आते हैं देवरा और वारा दोनों रोल में देवरा के रोल में उनकी जो ह्यूमिनिटी है डिस्ट्रक्टिवनेस है जिस तरह से उन्होंने उस किरदार में डायलॉग डिलीवरी दी हुई है बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी बढ़िया थी ठीक उसी तरह वारा का जो किरदार था वो पूरी तरह से अपोजिट था एक इनोसेंट था कॉवर्ड था तो उन सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली बैलेंस तरीके से एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई सेफ अली खान भाईरा के रोल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस साइन करते हुए नज़र आते हैं कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने एक तैयार किया हुआ था उस कैरेक्टर में सेफ अली खान ने जो काम किया हुआ है जिस तरह से देवरा के अगेंस्ट वो रिवेंज चाहता है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था जानवी कपूर को जो भी काम दिया गया था जो म्यूजिक थोड़ा बहुत था थोड़े बड़े थोड़े बहुत सीन्स थे जो फन डायनेमिक एन टी आर के साथ देखने को मिलता है और सभी चीज़ों में वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी एक्शन सिक्वेंस फिल्म के काफ़ी बढ़िया थे वो फिल्म के लिए स्टैंड आउट मोमेंट्स में साबित होते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से जो एक एक्शन सिक्वेंस के साथ जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो डायलॉग्स डिलीवरी देखने को मिलते हैं जो डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं देवरा के कैरेक्टर के साथ और सभी चीज़ें एक एंटरटेनिंग टच देती हुई नज़र आती है सपोर्टिंग परफॉर्मेंसिस श्रीकांत प्रकाश दूसरे कई एक्टर्स ने दिए हुए काफ़ी पॉजिटिव मैनर में फिल्म के साथ जाती हुई नजर आती है स्टोरी काफ़ी एंटरटेनिंग थी स्टोरी में काफ़ी नयापन था लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था उसमें उनको एज ए डायरेक्टर के तौर पे कई पोर्संस में बेहतर तरीके से डायरेक्शन करना चाहिए था स्क्रीन प्ले थोड़ा और एंगेजिंग मेनर में लिखा जा सकता था इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको और इफेक्टिव मैनर में एग्जीक्यूट किया जा सकता था चीज़ें और इनहेंस हो सकती थी जो फिल्म के ओवरऑल रोल जो फिल्म का इम्पेक्ट है और बेहतर कर सकती थी जाह्नवी कपूर का जो रोल था वो काफ़ी कुछ सीन्स के लिए था जहाँ पे उसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज की जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट नजर आएगी बैक स्टोरी में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है उसको बेहतर किया जा सकता था सैफ अली खान का रोल था जिस तरह से तैयार किया गया था उसको थोड़ा बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से एन टी आर का रोल डेवलप किया गया था उसी तरह क्लाइमेक्स जिस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है उसमें जो शॉकिंग इवेंट्स डाला हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से सभी ऑडियंस के लिए काम नहीं करता है सिवा कोटला ने इस फिल्म के साथ एज अ राइटर डायरेक्टर के तौर पर ठीक ठाक काम किया हुआ है वैसे सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी ठीक थी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है वहाँ पे चीज़ें और बेहतर की जा सकती थी सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फिल्म को एक अच्छा खासा टच देता हुआ नज़र आता है एक फिल्म को टॉप नॉच पर सीन्स को और बेहतर करने में मदद करता है एडिटिंग फिल्म की आ, मीडियम मीडियम ठीक ठाक थी क्योंकि चीज़ें थोड़ी अप की जा सकती थी काफ़ी लंबी फिल्म थी जहाँ पे फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी लाजवाब नजर आएगी तो ओवरऑल देवरा एक एक्शन पे एक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो मिलेगा जहाँ पे जूनियर एन अपने कंधे पर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते जान्हवी कपूर का चांद था वो भी पसंद आएगा आपको सेफ अली खान का भी जो परफॉर्मेंस था वो भी फिल्म को सपोर्ट कर रहा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड्स में कुछ एक्शन सिकॉन्स है जिसको अच्छी तरह से फिल्माया गया है लेकिन एज अ डायरेक्टर के तौर पे डायरेक्टर ने जो काम किया हुआ है उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी जो सीन्स थे उसमें भी सेकंड हाफ में खास करके काफ़ी लेग होते हुए नजर आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म देख सकते हो तो देवरा फिल्म वैसे वन टाइम वॉच है एन के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली एक डिसेंट फिल्म है इसे देखा जा सकता है आचार्य से तो बेहतर फिल्म बनी हुई है आचार्य ही जो फिल्म के डायरेक्टर है यानी कि कोटराला सिवा उन्होंने बनाई थी तो वो फिल्म उतनी कुछ खास थी नहीं लेकिन उससे तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है जिसको थिएट्रिकली सत्ताईस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया था जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा बस था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पर अभी तक इस फिल्म को आई पे करीबन छः के यानी कि अड़सठ की वो रेटिंग मिली हुई है और उसमें से अठसठ सौ वोट्स में से इस फिल्म ने छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से और इस आईएमडीबी रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया हुआ है हिंदी वर्जन में और तेलुगु वर्ज़न में तो ख़ास करके फिल्म काफ़ी बढ़िया चल रही है जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था अच्छी खासी प्री बुकिंग चल रही थी जिसके साथ इस फिल्म ने ओवरसीज और से इंडिया से मिलाकर अपना पहला का पहले दिन का क्रोस कलेक्शन वो करीबन एक करोड़ का किया था तो और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया इस कलेक्शन के साथ और सेकंड डे में वो कलेक्शन दो दिनों का टोटल करीबन दो करोड़ बना हुआ है तो करीबन करीबन दूसरे दिन भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सत्तर अस्सी करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस भी फिल्म दो दिनों के अंदर करीबन दो करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है तो एक अच्छे का मीडियम ऑफ माउथ के बावजूद भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है डेफिनेटली फिल्म अपना ब्रेक एन टारगेट हासिल कर लेगी क्योंकि भले ही मिक्स रिस्पांस मिला हो लेकिन फिर फिल्म इस कदर बनी है कि डेफिनेटली ऑडियंस के बीच में फिल्म कलेक्शन कर जाएगी तो एन टी आर के आर आर के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई है पहले दिन के लिए जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म थिएट्रिकली रन हो रही है अगर आपको देखना है तो थिएटर में देख सकते हो अदरवाइज़ ओ टी वर्जन के ऊपर बातचीत करो तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन सात आठ वीक के विंडोज़ में आपको ओ टी टी देखने को मिलेगी ओ टी टी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म के लिए एक करोड़ रुपये दिए हुए करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि देवरा फिल्म फ़िलहाल में थिएटर में चल रही है अगर ओ में देखना चाहते हो तो थिएटर कल रिलीज़ के करीबन आठ महीने के बाद ये आठ वीक के बाद यानी कि करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से देवरा फिल्म आप ओ टी टी सेटेलाइट थिएटर इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे देवरा पार्ट वन जो 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में डब करके साथ ही में थिएट्रिकली पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया हुआ है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन कोटाला ने किया हुआ है सुधाकर मिक्की नैनी कोसरा कोसर राजू हरिकृष्णा नंदमोरी कल्याण राम ने इस फिल्म को करीबन 300 करोड़ के बजट में युवा सुधा आर्ट्स और एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ए फिल्म्स के द्वारा हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे गए सितारा एंटरटेनमेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदे हुए के वी प्रोडक्शन और एस एस कार्तिकेय ने जहाँ पे Uh, उन्होंने इस फिल्म के लिए कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए नॉर्थ अमेरिक अमेरिका के लिए प्रत्यागीरा सिनेमाज़ और हमसीनी इंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए तमिलनाडु के लिए जो थिएट्रिकल राइट्स है वो एक्वायर किए हुए श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने वहीं पे केरला के लिए वे फेयर फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक्वायर किए गए तो ये फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है जहाँ पर इन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को आई एम एक्स फोर डी एक्स क्रीन एक्स डी बॉक्स और एम एक्स फोर डी आई सी फॉर्मेट्स में रिव्यू रिलीज़ किया गया है तो इन अलग अलग फॉर्मेट में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है कास्टिंग में एन टी आर जूनियर लीड रोल में देखने को मिलेंगे सेफ अली खान मीन इंटागोनी से वहीं पे जानवी कपूर ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा श्रुति मराठे प्रकाश प्रकाशा श्रीकांत और साइन टॉम चाको जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म के साथ आपको देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी आर राथन वेलू ने की हुई है फिल्म को एस श्रीकार प्रसाद ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और अट्ठावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अनिरुद्ध रविचंदर के द्वारा फ़िल्म के म्यूज़िक के ऊपर कंपोजिशन करवाई गई है तो अनिरुद्ध रविचंदर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो टी सीरीज़ वालों ने सभी वर्जनस के लिए खरीदे हुए फिल्म में आपको टोटल ट्रैक सुनने को मिलेंगे जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले इसके अलावा हम इस फिल्म के रिगार्डिंग दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते हैं इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर जानकारी दे तो एन टी आर रामा राव जूनियर आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक तो है देवरा दूसरा है वरदा यानी कि वारा जो देवरा का बेटा है सैफ अली खान इस फिल्म में भैरावा भैरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा जहनवी कपूर ने तंगम का रोल प्ले किया है जो वरदा का लव इंटरेस्ट है वरदा की माँ देवरा की वाइफ ये रोल है वो श्रुति मराठे ने प्ले किया हुआ है जरीना वहाब ने इस फिल्म में देवरा की माँ और वर्धा की ग्रैंड माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तल्लूरी रामेश्वर ने इस फिल्म में जागुलू का रोल जोगुलू का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने सिनप्पा का सिंगप्पा का रोल प्ले किया है श्रीकांत ने रायप्पा का रोल प्ले किया हुआ है साइम टोम चाको ने कोरा का रोल प्ले किया हुआ है नरेंद्र ने इरफान का रोल प्ले किया हुआ है जो कोस्ट गार्ड ऑफिसर है वहीं पे कलाया रासन ने इस फिल्म में कुंजारा का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा को मुरुगा यानी कि पॉलिटिशियन कम स्मगलर का रोल दिया गया है अजय ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है चैत्र राज ने इस फिल्म में भाईरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अम्मी अभिमन्यु सिंह ने इस फिल्म में डीएसपी तुलसी का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी वर्मा ने प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2020 में एन टी आर रामा राव जूनियर और त्रिविक्रम श्रीनिवास एक फिल्म साथ में करने वाले उनका सेकंड कोलोब्रेशन होने वाला है अरविंद समेता के बाद में टेंटेटिव टाइटल एन टी आर दिया गया था फिल्म एस राधा कृष्णा नंदमुरी कल्याण राम प्रोड्यूस करने वाले थे हरिका हासीन क्रिएशन और एन आर्ट्स के नीचे तो ये अनाउंसमेंट तब सुनने को मिली थी लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई जहाँ पर जुलाई में कन्फर्म किया गया कि कोटाला सिवा एक फिल्म बनाने वाले जहाँ पे वो अर्जुन को लेते हुए ए ट्वेंटी वन बनाने वाले प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सुधा कर्म की नई नई उनकी नई कंपनी युवा सुधा प्र आर्ट्स के नीचे प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ उसके बाद में अप्रैल 2021 में कंफर्म किया जाता है कुछ रिपोर्ट से कि रामा राव और सिवा एक बार फिर से कोलाबरेट करते हुए नजर आएंगे जनता गैरेज के बाद में उनका ये सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है फिल्म का टाइटल होने फिल्म को आइडेंटिटी टाइटल एन टी दिया हुआ था क्योंकि एन की तीसवीं फिल्म होने वाली थी एज अ लीड रोल में ऑफिशियली अनाउंसमेंट थी तेरह अप्रैल 2021 को गाड़ी के मौके के ऊपर की गई थी जहाँ पे युवा सुधा आर्ट्स ने इस फिल्म को एन आर्ट्स के द्वारा कोव करते हुए प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो उनके द्वारा इस फिल्म को अनाउंस किया गया था हाउ जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि शिवा आचार्य के का फिल्म के प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे वहीं पे रामा राव एन टी आर रामा राव है वो आरआरआर फिल्म के साथ जुड़े हुए थे इसके चलते फिल्म को थोड़ा डिले किया गया जहाँ पे शिवा ने एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कमर्शियल अपील वाला तैयार किया हुआ है जहाँ पे उनकी डेब्यू फिल्म थी मिर्ची उससे कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अच्छा आचार्य फेल होने के बाद शिवा ने फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया कुछ नेसेसरी चेंजेस किए फाइनल राप तैयार किया उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया जिसके चलते प्रोजेक्ट और डिले हुआ जिसके चलते बाप दो आ चुका था और उसके बाद में नवंबर ने शिवा ने प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया था प्रोडक्शन को अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ले जाने का फैसला लिया गया इनिशियली ये फिल्म चौबीस अप्रैल को वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाले थे लेकिन तारक रत्ना और रामा रव के जो एकेडमी अवॉर्ड कैंपियन था आर आर के लिए उसके लिए चीज़ें थोड़ी डिले हुई थी ऑफिशियल लॉन्च था वो बाद में तेईस मार्च पूजा सेरेमनी स्टार्ट करवाई गई थी हैदराबाद में एस एस राजा मौली और कई दूसरे कास्टर क्रू मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए उन्होंने मूर्त शॉर्ट में काम किया था साथ ही में तब प्रेजेंस रहे थे वहीं पे इस फिल्म का टाइटल ऑफिशियली 19 मई 2023 को देवरा नाम के साथ अनाउंस किया गया वो तब एन का बर्थडे था उस मौके के ऊपर इसको अनाउंस किया गया चार अक्टूबर को सिवा ने अनाउंस किया कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली क्योंकि फिल्म काफ़ी बड़ी है एक पार्ट में नहीं कम्प्लीट हो पाएगी कास्टिंग में बात करें तो पहले जो टेक्निकल टीम है उसमें अनिरुद्ध रविचंद्र को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया सिनेमेटोग्राफी के लिए आर राथन वेलू एडिटिंग के लिए ए श्रीकार प्रदात और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सब्बू सैल को लिया गया था वहीं पे वी के लिए और कोरियोग्राफी के लिए पहले स्टंट कोरियोग्राफर के लिए केनी बेट्स को लिया गया ब्रेड मैनेज और युगंदर टी को वी एफ एक्स के लिए अप्रोच किया गया वहीं पे एक्ट्रेस के ऊपर नाम आया था कि आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर मनोराल ठाकुर रश्मिका मंदना जैसी एक्ट्रेस को लीड रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है ऐसा सुनने में आया था लेकिन कंसिडर किया जा रहा था लेकिन बाद में फाइनली जब अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि जानवी कपूर इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने वाली है उनकी पहली साउथ इंडियन या पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त भी कहा था कि उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हुआ क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि उनको एनटीआर के साथ काम करना है उसके बाद में इस फिल्म में ये सभी अप्रोच कंप्लीट करने के बाद प्रकाश राज मीरा जासमिन को भी एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया धीरे धीरे कल्याई रासन मुरली शर्मा नरयन अभिमन्यु सिंह श्रुति मराठे जी साइन टोम चाको जैसे एक्टर्स भी फिल्म के साथ जुड़े प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी एक अप्रैल 2023 से हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जानवी कपूर और शैफ अली खान को मिड अप्रैल 2000 में इस सेट को ज्वाइन किया मई महीने में इस फिल्म के दो वीक जितना ब्रेक लिया गया क्योंकि एनटीआर फैमिली वेकेशंस में गए थे सात जून 2023 को फिल्म से को फिर से रिशेड्यूल करके शूट करना स्टार्ट किया गया तब चौदह दिन जितनी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में एक, एक महीने तक का लंबा ब्रेक रहा इकतीस जुलाई दो हज़ार तेईस तो तक फिल्म को फिर से स्टार्ट करवाया गया इस बार मुंबई की में इस फिल्म की कुछ शूटिंग्स रखी गई थी उसके बाद में फिल्म के अलग 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 लोकेशंस में फिल्म की शूटिंग चली थी जहाँ पर हैदराबाद में एक शेड्यूल चार अक्टूबर दो को रखा गया था कल्याण राम ने रिवील भी कहा था किया था दिसंबर 2023 तक फिल्म की 80 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन प्रोडक्शन टीम ने रिवील किया कि 30 परसेंट जितनी शूटिंग अभी तक कंप्लीट हुई है उसके बाद में सभी चीज़ें आगे बढ़ती रही जहाँ पर बताया गया कि राव वॉर टू में पार्ट होने वाले लेकिन आ, ये दोनों फिल्म एक साथ टकराने की वजह से चीज़ें कुछ साथ नहीं बैठ रही थी जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग लेट हो रही थी उसके बाद में धीरे 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 फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में वे फेक सी जी आई का, का काम कम्प्लीट करवाए जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी लंबा रन टाइम रखा गया था इनिशियली रन टाइम था वो करीबन 190 मिनट का कंसीडर किया जा रहा था लेटर ऑन 170 मिनट के आसपास का रन टाइम फाइनलाइज किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट लिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए अनरुद्ध रविचंद्र ने टी सीरीज के पास सभी वजन के गाने थे एल्बर्क वेन्ट स्टूडियो चेन्नई एम स्टूडियो चेन्नई श्रुति ऑडियो लेब्स हैदराबाद वाइफ स्टूडियो मुंबई वायर स्टूडियो मुंबई स्टूडियो डीएमआई लास वेगस में इस फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में चौथा टोटल चार ट्रैक थे तेलुगु वर्जन में सभी ट्रैक को लिखा हुआ था रामजोग शास्त्री ने इस फिल्म का फर्स्ट ट्रैक रिलीज किया गया था वो था फियर सॉन्ग जिसको उन्नीस मई दो को टी सीरीज के रिलीज करवाया गया था जिसको अनिरुद्ध रविचंदन ने खुद गाया हुआ था चुत्ता मल्लकर के जो गाना है उसको शिल्पा राव ने गाया हुआ था जो सेकंड सिंगल के तौर पे पांच अगस्त 2024 को रिलीज किया गया दाऊड़ी गाने गए उसको नाका अजीज और आकाश सिंह ने गाया था जिसको चार सेप्टेंबर दो को फोर्थ सिंगल के सॉरी थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज किया गया था अयोध्या पूजा करके जो गाना था जिसको काला भैरवा ने गाया हुआ था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर छब्बीस सेप्टेंबर दो को रिलीज किया गया तो ये टोटल चार गाने रिलीज़ किए गए फिल्म के रिगार्डिंग जो तेरह मिनट चालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसका है हिंदी वर्जन है उसको लिखा उन सभी गानों को रामजोग्या शास्त्री ने हिंदी वर्जन के लिए लिखा हुआ था मलयालम वर्जन के लिए मनकुम्भु गो गोपाल कृष्णा ने लिखा था और वधा चिकम्बलमपुरम ने कन्नडा वर्जन के लिए इनके गानों को लिखा हुआ था तो इस तरह से ये सभी गाने थे जहाँ पे हिंदी वर्जन में टाइटल करे तो फियर सॉन्ग धीरे धीरे दाऊडी और अयोध्या पूजा टाइटल दिए गए थे जहाँ पे फियर सॉन्ग को मनोज मुंतासिर ने लिखा था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया था धीरे धीरे गाने को कोसार मुनिर ने लिखा शिल्पा राव ने गाया दाउडी गाने को कोसार मुनिर ने लिखा था नका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था अयोध्या पूजा गाना को मनोज मुंतासिर ने लिखा था और काला भैईरावा ने गाया हुआ था इन सभी गानों को 26 सितंबर 2024 तो टी सीरीज के द्वारा तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में रिलीज किया गया तो अभी ये सभी गाने बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आसानी से सुनने को मिल जाएंगे कहानी के ऊपर थोड़ी चर्चा करते इस फिल्म की कहानी रत्नागिरी करके एक एरिया है कोस्टल विलेज है जो रेड सी के नज़दीक है वहाँ पर सेट की हुई है जहाँ पर देवरा नाम का एक किरदार है उसके ऊपर पूरी फिल्म को मेनली फीचर किया हुआ है जो जूनियर एन टी आर रोल प्ले करे इसके अलावा भाईरा करके कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो सैफ अली खान ने प्ले किया हुआ है रैप्पा करके जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो श्रीकांत ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिर कोई कुछ और भी गाँव में से बड़े बड़े नाम आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहाँ पे एक पावरफुल फिगर है मुरुगा करके जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहा है एक स्मगलिंग गुड्स स्मगलिंग गुड्स में वो उसका एक बड़ा नाम है जहाँ पे वो सिप्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें स्मगल करता हुआ नजर आता है देवरा को धीरे धीरे इन सभी रॉन्ग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है लेकिन देवरा के साथ भैरा इन सभी चीज़ों में डिसएग्री करता है उसके बाद में भैरा ट्राई करता है देवरा को मारने के लिए ट्विस्ट तब आता है जब देवरा अचानक से डिसपेयर हो जाता है और अचानक से 20 साल के बाद चीज़ें और पास होने के बाद पता चलती कि भैरा रत्नागिरी में रूल कर रहा है और वो अभी भी देवरा को ढूंढ रहा है मारने के लिए दूसरी तरफ वारा यानी कि देवरा का बेटा है जो एक इनोसेंट और हेल्पलेस है और धीरे धीरे वो भैरा की जो फोर्स है उसको भी ज्वाइन कर लेता है अब वारा और भैरा क्या करना चाहते हैं इसके अलावा क्या ये जो फादर के जो एक का एक विश है वो कंप्लीट हो पाएगी क्या वारा हमें कोई खा, अपने फादर के लिए ख़राब मेमोरी है देवरा एक्चुअली में गया कहाँ है क्या वो जिंदा है भैया क्या उसे पकड़ पाएगा अगर ज़िंदा है तो अगर ये सभी चीज़ों के बीच में किस तरह से देवरा और उसके बेटे के जो बीच की ट्यूनिंग है वो आपको देखने को मिलती है और देवरा को क्यों मारना चाहता है भाईरा वो सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जूनियर एन इस फिल्म के लिए वन ऑफ़ द मेजर प्लस पॉइंट साबित होते हैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था जहाँ पर वो एक बार फिर से प्रूव करते हुए नज़र आते कि वो एज एक्टर के तौर पे कितने मजबूत हैं उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी बनाए रखती है देवरा पार्ट वन पूरी तरह से वो ऑडियंस के सामने वो अकेले अपने कंधे पे खिंचते हुए नजर आते हैं देवरा और वारा दोनों रोल में देवरा के रोल में उनकी जो ह्यूमिनिटी है डिस्ट्रक्टिवनेस है जिस तरह से उन्होंने उसके दर में डायलॉग डिलीवरी दी हुई है बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी बढ़िया थी ठीक उसी तरह वारा का जो किरदार था वो पूरी तरह से अपोजिट था एक इनोसेंट था कॉवर्ड था तो उन सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली बैलेंस तरीके से एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई सेफ अली खान भाईरा के रोल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस साइन करते हुए नजर आते हैं कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने एक दि तैयार किया हुआ था उस कैरेक्टर में सेफ अली खान ने जो काम किया हुआ है जिस तरह से देवरा के अगेंस्ट वो रिवेंज चाहता है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था जानवी कपूर को जो भी काम दिया गया था जो म्यूजिक थोड़ा बहुत था थोड़े बड़े थोड़े बहुत सीन्स थे जो फन डायनेमिक एन टी आर के साथ देखने को मिलता है और सभी चीज़ों में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी एक्शन सिक्वेंस फिल्म के काफ़ी बढ़िया थे वो फिल्म के लिए आउट मोमेंट्स में साबित होते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से जो एक एक्शन सीक्वेंस के साथ जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो डायलॉग्स डिलीवरी देखने को मिलते हैं जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं देवरा के कैरेक्टर के साथ और सभी चीज़ें एक एंटरटेनिंग टच देती हुई नज़र आती है सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेज श्रीकांत प्रकाश दूसरे कई एक्टर्स ने दिए हुए काफ़ी पॉजिटिव मैनर में फिल्म के साथ जाती हुई नजर आती है स्टोरी काफ़ी एंटरटेनिंग थी स्टोरी में काफ़ी नयापन था लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था उसमें उनको एज ए डायरेक्टर के तौर पे कई पोर्शंस में बेहतर तरीके से डायरेक्शन करना चाहिए था स्क्रीन प्ले थोड़ा और एंगेजिंग मैनर में लिखा जा सकता था इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको और इफेक्टिव मैनर में एक्जीक्यूट किया जा सकता था चीज़ें और इनहेंस हो सकती थी जो फिल्म के और रोल जो फिल्म का इम्पेक्ट है और बेहतर कर सकती थी जाह्नवी कपूर का जो रोल था वो काफ़ी कुछ सीन्स के लिए था जहाँ पे उसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज की जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट नजर आएगी बैक स्टोरी में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है उसको बेहतर किया जा सकता था सैफ अली खान का रोल था जिस तरह से तैयार किया गया था उसको थोड़ा बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से एन का रोल डेवलप किया गया था उसी तरह क्लाइमेक्स जिस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है उसमें जो शॉकिंग इवेंट्स डाला हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से सभी ऑडियंस के लिए काम नहीं करता है सिवा कोटला ने इस फिल्म के साथ एज अ राइटर डायरेक्टर के तौर पर ठीक ठाक काम किया हुआ है वैसे सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी ठीक थी इमोशनल डेप्थ की कमी नजर आती है वहाँ पे चीज़ें और बेहतर की जा सकती थी सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फिल्म को एक अच्छा खासा टच देता हुआ नजर आता है एक फिल्म को टॉप नोच सीन्स को और बेहतर करने में मदद करता है एडिटिंग फिल्म की आ, मीडियम मीडियम ठीक ठाक थी क्योंकि चीज़ें थोड़ी चॉपअप की जा सकती थी काफ़ी लंबी फिल्म थी जहाँ पे फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी लाजवाब नजर आएगी तो ओवरऑल देवरा एक एक्शन पे एक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो मिलेगा जहाँ पे जूनियर एन अपने कंधे पर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते जान्हवी कपूर का चाम था वो भी पसंद आएगा आपको सेफ अली खान का भी जो परफॉर्मेंस था वो भी फिल्म को सपोर्ट कर रहा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड्स में कुछ एक्शन सीक्वेंस है जिसको अच्छी तरह से फिल्माया गया है लेकिन एज अ डायरेक्टर के तौर पे डायरेक्टर ने जो काम किया हुआ है उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी जो सीन्स थे उसमें भी सेकंड हाफ में खास करके काफ़ी लेग होते हुए नज़र आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म देख सकते हो तो देवरा फिल्म वैसे वन टाइम वॉच है एन के लिए अगर आप देखना चाहते हो डेफ़िनेटली एक डिसेंट फिल्म है इसे देखा जा सकता है आचार्य से तो बेहतर फिल्म बनी हुई है आचार्य ही जो फिल्म के डायरेक्टर है यानी कि को कोटराला सिवा उन्होंने बनाई थी तो वो फिल्म उतनी कुछ खास थी नहीं लेकिन उससे तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है जिसको थिएट्रिकली सत्ताईस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया था जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा बस था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पर अभी तक इस फिल्म को आई पे करीबन छः पॉइंट आठ के यानी कि अड़सठ सौ की वो रेटिंग मिली हुई है और उसमें से अठसठ सौ वोट्स में से इस फिल्म ने छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल की हुई दस में से और इस आईएमडीबी रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया हुआ है हिंदी वर्जन में और तेलुगु वर्जन में तो खास करके फिल्म काफ़ी बढ़िया चल रही है जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले दिन काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था अच्छी खासी प्री बुकिंग चल रही थी जिसके साथ इस फिल्म ने ओवरसीज और इंडिया से मिलाकर अपना पहला का पहले दिन का ग्रोस कलेक्शन वो करीबन एक करोड़ का किया था तो और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया इस कलेक्शन के साथ और सेकंड डे में वो कलेक्शन दो दिनों का टोटल करीबन दो करोड़ बना हुआ है तो करीबन करीबन दूसरे दिन भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सत्तर अस्सी करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दो दिनों के अंदर करीबन दो करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है तो एक अच्छे का मीडियम ऑफ माउथ के बावजूद भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है डेफ़िनेटली ये फिल्म अपना ब्रेक ऑन टारगेट हासिल कर लेगी क्योंकि भले ही मिक्स रिस्पांस मिला हो लेकिन फिल्म इस कदर बनी है कि डेफिनेटली ऑडियंस के बीच में फिल्म कलेक्शन कर जाएगी तो एन टी आर के आर आर के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई पहले दिन के लिए जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म थिएट्रिकली रन हो रही है अगर आपको देखना है तो थिएटर में देख सकते हो अदरवाइज़ ओ टी टी वर्जन के ऊपर बातचीत करो तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन सात आठ वीक के विंडोज़ में आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी ओ टी टी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म के लिए एक सौ पचपन करोड़ रुपये दिए हुए करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी थे टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि देवरा फिल्म फिलहाल में थिएटर में चल रही है अगर ओ में देखना चाहते हो तो थिएटर कल रिलीज के करीबन आठ महीने के बाद ये आठ वीक के बाद यानी कि करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी थ्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से देवरा फिल्म आप ओ टी टी सेटेलाइट थियेटर इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे देवरा पार्ट वन जो 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में डब करके साथ ही में थिएट्रिकली पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया हुआ है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरटाला सिवानी किया हुआ है सुधाकर मिक्की नैनी कोसरा कोसर राजू हरिकृष्णा नंदमोरी कल्याण राम ने इस फिल्म को करीबन 300 करोड़ के बजट में युवा सुधा आर्ट्स और एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ए फिल्म्स के द्वारा हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे गए सितारा एंटरटेनमेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदे हुए के प्रोडक्शन और एसएस एस कार्तिकेय ने जहाँ पे आ, उन्होंने इस फिल्म के लिए कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए नॉर्थ अमेरक अमेरिका के लिए प्रत्यागीरा सिनेमाज और हमसनी इंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए तमिलनाडु के लिए जो थिएट्रिकल राइट्स है वो एक्वायर किए हुए श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने वहीं पे केरला के लिए वे फेयरर फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक्वायर किए गए तो ये फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है जहाँ पे इन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज करवाया हुआ है इस फिल्म को आई एम एक्स फोर डी एक्स स्क्रीन एक्स डी बॉक्स और एम एक्स फोर डी आई सी फॉर्मेट्स में रिव्यू रिलीज किया गया है तो इन अलग अलग फॉर्मेट में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है कास्टिंग में एन टी आर जूनियर लीड रोल में देखने को मिलेंगे सैफ अली खान मेन इंटागोनी है वहीं पे जानवी कपूर ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा श्रुति मराठे प्रकाश राज श्रीकांत और साइन टॉम चाको जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म के साथ आपको देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी आर राथन वेलू ने की हुई है फिल्म को ए श्रीकार प्रसाद ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और अट्ठावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अनिरुद्ध रविचंदर के द्वारा फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर कंपोजिशन करवाई गई है तो अनिरुद्ध रविचंदर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो टी सीरीज़ वालों ने सभी वर्जनस के लिए खरीदे हुए फिल्म में आपको टोटल चार्ट ट्रैक सुनने को मिलेंगे जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले इसके अलावा हम इस फिल्म के रिगार्डिंग दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते हैं इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर जानकारी दे तो एन टी आर रामा राव जूनियर आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक तो है देवरा दूसरा है वरदा यानी कि वारा जो देवरा का बेटा है सैफ अली खान इस फिल्म में भैरावा भैरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा जहनवी कपूर ने तंगम का रोल प्ले किया है जो वरदा का लव इंटरेस्ट है वरदा की माँ देवरा की वाइफ ये रोल है वो श्रुति मराठे ने प्ले किया हुआ है जरीना वहाब ने इस फिल्म में आ, देवरा की माँ और वर्धा की ग्रैंड माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तल्लूरी रामेश्वर ने इस फिल्म में जागुलू का रोल जोगुलू का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने सिनप्पा का सिंगप्पा का रोल प्ले किया हुआ श्रीकांत ने रायप्पा का रोल प्ले किया हुआ है साइम टोम चाको ने कोरा का रोल प्ले किया हुआ है नरेंद्र ने इरफान का रोल प्ले किया हुआ है जो कोस्ट गार्ड ऑफिसर है वहीं पे कलाया रासन ने इस फिल्म में कुंजारा का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा को मुरुगा यानी कि पॉलिटिशियन कम स्मगलर का रोल दिया गया है अजय ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है चैत्र राज ने इस फिल्म में भैरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमी अभिमन्यु सिंह ने इस फिल्म में डीएसपी तुलसी का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी वर्मा ने प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2020 में एनटीआर टी रामा राव जूनियर और त्रिविक्रम श्रीनिवास एक फिल्म साथ में करने वाले उनका सेकंड कोलोब्रेशन होने वाला है अरविंद समेता के बाद में टेंटेटिव टाइटल एन टी आर दिया गया था फिल्म एस राधा कृष्णा नंदमुरी कल्याण राम प्रोड्यूस करने वाले थे हरिका हासीन क्रिएशन और एन आर्ट्स के नीचे तो ये अनाउंसमेंट तब सुनने को मिली थी लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई जहां पे जुलाई में कंफर्म किया गया कि कोटाला सिवा एक फिल्म बनाने वाले जहाँ पे वो अल्लाज को लेते हुए ए ट्वेंटी वन बनाने वाले प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सुधा कर्म की नई नई उनकी नई कंपनी युवा सुधा आर्ट्स के नीचे प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ उसके बाद में अप्रैल 2021 में कंफर्म किया जाता है कुछ रिपोर्ट से कि रामा राव और शिवा एक बार फिर से कोलाबरेट करते हुए नजर आएंगे जनता गैरेज के बाद में उनका ये सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है फिल्म का टाइटल होने फिल्म को टेंटिटी टाइटल एन टी दिया हुआ था क्योंकि एन की तीसवीं फिल्म होने वाली थी एज अ लीड रोल में ऑफिशियली अनाउंसमेंट तेरह अप्रैल 2021 को उगाड़ी के मौके के ऊपर की गई थी जहां पे युवा सुधा आर्ट्स ने इस फिल्म को एन आर्ट्स के द्वारा कोवर कोलाबरेट करते हुए प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो उनके द्वारा इस फिल्म को अनाउंस किया गया था हाउ जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि शिवा आचार्य के का फिल्म के प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे वहीं पे रामा राव एन टी आर रामा राव है वो आर 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 फिल्म के साथ जुड़े हुए थे इसके चलते फिल्म को थोड़ा डिले किया गया जहाँ पे शिवा ने एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कमर्शियल अपील वाला तैयार किया हुआ है जहाँ पे उनकी डेब्यू फिल्म थी मिर्ची उससे कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अच्छा आचार्य फेल होने के बाद शिवा ने फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया कुछ नेसेसरी चेंजेस किए फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया जिसके चलते प्रोजेक्ट और डिले हुआ जिसके चलते बाप दो आ चुका था और उसके बाद में नवंबर ने शिवा ने प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया था प्रोडक्शन को अर्ली ट्वेंटी में ले जाने का फैसला लिया गया इनिशियली ये फिल्म चौबीस अप्रैल को वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाले थी लेकिन तारक रत्ना और रामा राव के जो एकेडमी अवॉर्ड कैंपियन था आरआर आर के लिए उसके लिए चीज़ें थोड़ी डिले हुई थी ऑफिशियल लॉन्च था वो बाद में तेईस मार्च पूजा सेरेमनी स्टार्ट करवाई गई थी हैदराबाद में एस एस राजा मौली और कई दूसरे कास्टर क्रू मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए उन्होंने मोरत शॉट में काम किया था साथ ही में तब प्रेजेंस रहे थे वहीं पे इस फिल्म का टाइटल ऑफिशियली 19 मई 2023 को देवरा नाम के साथ अनाउंस किया गया वो तब एनटीआर का बर्थडे था उस मौके के ऊपर इसको अनाउंस किया गया चार अक्टूबर को सिवा ने अनाउंस किया कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली क्योंकि फिल्म काफ़ी बड़ी है एक पार्ट में नहीं कंप्लीट हो पाएगी कास्टिंग में बात करें तो पहले जो टेक्निकल टीम है उसमें अनिरुद्ध रविचंद्र को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया सिनेमाटोग्राफी के लिए आर राथन वेलू एडिटिंग के लिए ए श्रीकार प्रसाद और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सब्बू सरेल को लिया गया था वहीं पे वीएफएक्स के लिए और कोरियोग्राफी के लिए पहले स्टंट कोरियोग्राफर के लिए केनी बेट्स को लिया गया ब्रेड मैनेज और युगंदर टी को वी एफ एक्स के लिए अप्रोच किया गया वहीं पर एक्ट्रेस के ऊपर नाम आया था कि आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर मनोराल ठाकुर रश्मिका मंदना जैसी एक्ट्रेस को लीड रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है ऐसा सुनने में आया था लेकिन कंसीडर किया जा रहा था लेकिन बाद में फाइनली जब अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि जानवी कपूर इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने वाले उनकी ये पहली साउथ इंडियन या पहली तेलुगू फिल्म होने वाली उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त भी कहा था कि उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हुआ क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि उनको एन के साथ काम करना है उसके बाद में इस फिल्म में ये सभी अप्रोच कंप्लीट करने के बाद प्रकाश राज मीरा जासमिन को भी एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया धीरे धीरे कल्याई रासन मुरली शर्मा नरैन अभिमन्यु सिंह श्रुति मराठे जी साइन टोम चाको जैसे एक्टर्स भी फिल्म के साथ जुड़े प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी एक अप्रैल 2023 से हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जानवी कपूर और शैफ अली खान को मिड अप्रैल दो में इस सेट को ज्वाइन किया मई महीने में इस फिल्म के दो वीक ना ब्रेक लिया गया क्योंकि एन फैमिली वेकेशंस में गए थे सात जून 2023 को फिल्म से को फिर से रीशड्यूल करके शूट करना स्टार्ट किया गया तब चौदह दिन जितनी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में एक, एक महीने तक का लंबा ब्रेक रहा इकतीस जुलाई 2023 हज़ार तेईस तो तक फिल्म को फिर से स्टार्ट करवाया गया इस बार मुंबई की में इस फिल्म की कुछ शूटिंग्स रखी गई थी उसके बाद में फिल्म के अलग 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 लोकेशंस में फिल्म की शूटिंग चली थी जहां पे हैदराबाद में एक शेड्यूल चार अक्टूबर दो को रखा गया था कल्याण राम ने रिवील भी कहा था किया था दिसंबर 2023 तक फिल्म की 80 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन प्रोडक्शन टीम ने रिवील किया कि 30 परसेंट जितनी शूटिंग अभी तक कंप्लीट हुई है उसके बाद में सभी चीज़ें आगे बढ़ती रही जहां पे बताया गया कि रामा राव वॉर टू में पार्ट होने वाले लेकिन आ, ये दोनों फिल्म एक साथ टकराने की वजह से चीज़ें कुछ साथ नहीं बैठ रही थी जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग लेट हो रही थी उसके बाद में धीरे 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 फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में वे फेक जी का, का काम कम्प्लीट करवाए जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी लंबा रन टाइम रखा गया था इनिशियली रन टाइम था वो करीबन 190 मिनट का कंसीडर किया जा रहा था लेटर ऑन 170 मिनट के आसपास का रन टाइम फाइनलाइज किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी जानकारी दो तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए अनरुद्धविचंदन ने टी सीरीज के पास सभी वजन के गाने थे एल्बर्ट वेन्न स्टूडियो चेन्नई एम स्टूडियो चेन्नई श्रुति ऑडियो लैब्स हैदराबाद वाइफ स्टूडियो मुंबई वायर स्टूडियो मुंबई स्टूडियो डी लास आई वेगस में इस फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में चौथा टोटल चार ट्रैक थे तेलुगु वर्जन में सभी ट्रैक को लिखा हुआ था रामजोग्य शास्त्री ने इस फिल्म का फर्स्ट ट्रैक रिलीज किया गया था वो था फियर सॉन्ग जिसको उन्नीस मई दो को टी सीरीज के रिलीज करवाया गया था जिसको अनिर रविचंदन ने खुद गाया हुआ था चुत्ता मल्ले करके जो गाना है उसको शिल्पा राव ने गाया हुआ था जो सेकंड सिंगल के तौर पे पाँच अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया है दाऊड़ी गाने गए उसको नाका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था जिसको चार सेप्टेम्बर दो को फोर्थ सिंगल के सॉरी थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया गया था अयोध्या पूजा करके जो गाना था, था जिसको काला भैरवा ने गाया हुआ था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर छब्बीस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया तो ये टोटल चार गाने रिलीज़ किए गए फिल्म के रिगार्डिंग जो तेरह मिनट चालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसका है हिंदी वर्जन है उसको लिखा उन सभी गानों को रामजोगिया शास्त्री ने हिंदी वर्जन के लिए लिखा हुआ था मलयालम वर्जन के लिए मनक्कुम्भु गो गोपाल कृष्णा ने लिखा था और वर्धा चिकम्बलमपुरम ने कन्नड़ा वर्जन के लिए इनके गानों को लिखा हुआ था तो इस तरह से ये सभी गाने थे जहाँ पे हिंदी वर्जन में टाइटल करें तो फेयर सॉन्ग धीरे धीरे दाऊडी और अयोध्या पूजा टाइटल दिए गए थे जहाँ पे फेयर सॉन्ग को मनोज मुंतासिर ने लिखा था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया था धीरे धीरे गाने को कोषार मुनिर ने लिखा शिल्पा राव ने गाया दाऊडी गाने को कोसार मुनिर ने लिखा था नका अजीज और आकाश सिंह ने गाया था योद्धा पूजा गाना को मनोज मुंतासिर ने लिखा था और काला भईराव ने गाया हुआ था इन सभी गानों को 26 सितंबर 2024 हज़ार तो टी सीरीज़ के द्वारा तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जनस में रिलीज़ किया गया तो अभी ये सभी गाने बिल्कुल फ्रेम में यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आसानी से सुनने को मिल जाएंगे कहानी के ऊपर थोड़ी चर्चा करते इस फिल्म की कहानी रत्नागिरी करके एक एरिया है कोस्टल विलेज है जो रेड सी के नज़दीक है वहाँ पे सेट की हुई है जहाँ पे देवरा नाम का एक किरदार है उसके ऊपर पूरी फिल्म को मेनली फीचर किया हुआ है जो जूनियर एन टी आर रोल प्ले करे इसके अलावा आप करके कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो सैफ अली खान ने प्ले किया हुआ है रेप्पा करके जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो श्रीकांत ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिर कोई कुछ और भी गाँव में से बड़े बड़े नाम आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नज़र आएंगे जहाँ पे एक पावरफुल फिगर है मुरुगा करके जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहा है एक स्मगलिंग गुड्स स्मगलिंग गुड्स में वो उसका एक बड़ा नाम है जहाँ पे वो सिप्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें स्मगल करता हुआ नजर आता है देवरा को धीरे धीरे इन सभी रॉन्ग एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है लेकिन देवरा के साथ भैरा इन सभी चीज़ों में डिसएग्री करता है उसके बाद में भैरा ट्राई करता है देवरा को मारने के लिए ट्विस्ट तब आता है जब देवरा अचानक से डिसअपियर हो जाता है और अचानक से 20 साल के बाद चीज़ें और पास होने के बाद पता चलती कि भैरा रत्नागिरी में रूल कर रहा है और वो अभी भी देवरा को ढूंढ रहा है मारने के लिए दूसरी तरफ वारा यानी कि देवरा का बेटा है जो एक इनोसेंट और हेल्पलेस है और धीरे धीरे वो भैरा की जो फोर्स है उसको भी ज्वाइन कर लेता है अब वाराली और भैरा क्या करना चाहते हैं इसके अलावा क्या ये जो फादर की जो एक का एक विश है वो कंप्लीट हो पाएगी क्या वारा हमें कोई अपने फादर के लिए ख़राब मेमोरी है देवरा एक्चुअली में गया कहाँ है क्या वो जिंदा है भैया क्या उसे पकड़ पाएगा अगर ज़िंदा है तो अगर ये सभी चीज़ों के बीच में किस तरह से देवरा और उसके बेटे के जो बीच की ट्यूनिंग है वो आपको देखने को मिलती है और देवरा को क्यों मारना चाहता है भाईरा वो सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जूनियर एन इस फिल्म के लिए वन ऑफ़ द मेजर प्लस पॉइंट साबित होते हैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था जहाँ पर वो एक बार फिर से प्रूव करते हुए नज़र आते कि वो एज एक्टर के तौर पे कितने मज़बूत हैं उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी बनाए रखती है देवरा पार्ट वन पूरी तरह से वो ऑडियंस के सामने वो अकेले अपने कंधे पे खिचते हुए नजर आते हैं देवरा और वारा दोनों रोल में देवरा के रोल में उनकी जो ह्यूमिनिटी है डिस्ट्रक्टिवनेस है जिस तरह से उन्होंने उस किरदार में डायलॉग डिलीवरी दी हुई है बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी बढ़िया थी ठीक उसी तरह वारा का जो किरदार था वो पूरी तरह से अपोजिट था एक इनोसेंट था कॉवर्ड था तो उन सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली बैलेंस तरीके से एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई सेफली खान भाईरा के रोल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस साइन करते हुए नज़र आते कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने एक दि तैयार किया हुआ था उस कैरेक्टर में सेफ अली खान ने जो काम किया हुआ है जिस तरह से देवरा के अगेंस्ट वो रिवेंज चाहता है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था जानवी कपूर को जो भी काम दिया गया था जो म्यूजिक थोड़ा बहुत था थोड़े बड़े थोड़े बहुत सीन्स थे जो फन डायनेमिक एन टी आर के साथ देखने को मिलता है और सभी चीज़ों में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी एक्शन सीक्वेंस फिल्म के काफ़ी बढ़िया थे वो फिल्म के लिए स्टैंड आउट मोमेंट्स में साबित होते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से जो एक एक्शन सिक्वेंस के साथ जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो डायलॉग्स डिलीवरी देखने को मिलते हैं, जो डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं देवरा के कैरेक्टर के साथ और सभी चीज़ें एक एंटरटेनिंग टच देती हुई नज़र आती है सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेज श्रीकांत प्रकाश दूसरे कई एक्टर्स ने दिए हुए काफ़ी पॉजिटिव मैनर में फ़िल्म के साथ जाती हुई नजर आती है स्टोरी काफ़ी एंटरटेनिंग थी स्टोरी में काफ़ी नयापन था लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था उसमें उनको एज ए डायरेक्टर के तौर पर कई पोर्शंस में बेहतर तरीके से डायरेक्शन करना चाहिए था स्क्रीन प्ले थोड़ा और एंगेजिंग मैनर में लिखा जा सकता था इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको और इफेक्टिव मैनर में एग्जीक्यूट किया जा सकता था चीज़ें और इनहेंस हो सकती थी जो फिल्म के ओवरऑल रोल जो फिल्म का इम्पेक्ट है और बेहतर कर सकती थी जाह्नवी कपूर का जो रोल था वो काफ़ी कुछ सीन्स के लिए था जहाँ पे उसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज की जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट नज़र आएगी बैक स्टोरी में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है उसको बेहतर किया जा सकता था सैफ अली खान का रोल था जिस तरह से तैयार किया गया था उसको थोड़ा बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से एन टी आर का रोल डेवलप किया गया था उसी तरह क्लाइमेक्स जिस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है उसमें जो शॉकिंग इवेंट्स डाला हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से सभी ऑडियंस के लिए काम नहीं करता है सिवा कोटला ने इस फिल्म के साथ एज अ राइटर डायरेक्टर के तौर पर ठीक ठाक काम किया हुआ है वैसे सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी ठीक थी इमोशनल डेप्थ की कमी नजर आती है वहाँ पे चीज़ें और बेहतर की जा सकती थी सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फिल्म को एक अच्छा खासा टच देता हुआ नजर आता है एक फिल्म को टॉप नॉच सीन्स को और बेहतर करने में मदद करता है एडिटिंग फिल्म की आ, मीडियम मीडियम ठीक ठाक थी क्योंकि चीज़ें थोड़ी चॉपअप की जा सकती थी काफ़ी लंबी फिल्म थी जहाँ पे फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी लाजवाब नजर आएगी तो ओवरऑल देवरा एक एक्शन पे एक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो मिलेगा जहाँ पे जूनियर एन अपने कंधे पर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते जन्नवी कपूर का चांद था वो भी पसंद आएगा आपको सेफ अली खान का भी जो परफॉर्मेंस था वो भी फिल्म को सपोर्ट कर रहा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड्स में कुछ एक्शन सिकॉन्स है जिसको अच्छी तरह से फिल्माया गया है लेकिन एज अ डायरेक्टर के तौर पे डायरेक्टर ने जो काम किया हुआ है उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी जो सीन्स थे उसमें भी सेकंड हाफ में खास करके काफ़ी लेग होते हुए नज़र आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म देख सकते हो तो देवरा फिल्म वैसे वन टाइम वॉच है एन के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली एक डिसेंट फिल्म है इसे देखा जा सकता है आचार्य से तो बेहतर फिल्म बनी हुई है आचार्य ही जो फिल्म के डायरेक्टर है यानी कि कोटराला सिवा उन्होंने बनाई थी तो वो फिल्म उतनी कुछ खास थी नहीं लेकिन उससे तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है जिसको थिएट्रिकली सत्ताईस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया था जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा बस था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पर अभी तक इस फिल्म को आई पे करीबन छः पॉइंट आठ के यानी कि अड़सठ सौ की वो रेटिंग मिली हुई है और उसमें से आठ सौ वोट्स में से इस फिल्म ने छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल की हुई दस में से और इस आई रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया हुआ है हिंदी वर्जन में और तेलुगु वर्जन में तो खास करके फिल्म काफ़ी बढ़िया चल रही है जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले दिन काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था अच्छी खासी प्री बुकिंग चल रही थी जिसके साथ इस फिल्म ने ओवरसीज व इंडिया से मिलाकर अपना पहला का पहले दिन का ग्रोस कलेक्शन वो करीबन एक करोड़ का किया था तो और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया इस कलेक्शन के साथ और सेकंड डे में वो कलेक्शन दो दिनों का टोटल करीबन दो करोड़ बना हुआ है तो करीबन करीबन दूसरे दिन भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सत्तर अस्सी करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दो दिनों के अंदर करीबन दो करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है तो एक अच्छे का मीडियम वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है डेफ़िनेटली फिल्म अपना ब्रेक एंड टारगेट हासिल कर लेगी क्योंकि भले ही मिक्स रिस्पांस मिला हो लेकिन फिल्म इस कदर बनी है कि डेफिनेटली ऑडियंस के बीच में फिल्म कलेक्शन कर जाएगी तो एन टी आर के आर आर के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई पहले दिन के लिए जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म थिएट्रिकली रन हो रही है अगर आपको देखना है तो थिएटर में देख सकते हो अदरवाइज़ ओ टी टी वर्जन के ऊपर बातचीत करो तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन सात आठ वीक के विंडोज़ में आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी ओ टी टी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म के लिए एक सौ पचपन करोड़ रुपए दिए हुए करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि देवरा फिल्म फिलहाल में थिएटर में चल रही है अगर ओ में देखना चाहते हो तो थिएटर कल रिलीज के करीबन आठ महीने के बाद ये आठ वीक के बाद यानी कि करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से देवरा फिल्म आप ओ टी टी सेटेलाइट थियेटर इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे देवरा पार्ट वन जो 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इसको तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में डब करके साथ ही में थिएट्रिकली पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया हुआ है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन कोटाला सिवानी किया हुआ है सुधाकर मिक्की नैनी कोसरा कोसर राजू हरिकृष्णा नंदमुरी कल्याण राम ने इस फिल्म को करीबन 300 करोड़ के बजट में युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ए फिल्म के द्वारा हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे गए सितारा एंटरटेनमेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदे हुए के वी प्रोडक्शन और एसएस एस कार्तिकेय ने जहां पे Uh, उन्होंने इस फिल्म के लिए कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए नॉर्थ अमेरिक अमेरिका के लिए प्रत्यागीरा सिनेमाज़ और हमसीनी इंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए तमिलनाडु के लिए जो थिएट्रिकल राइट्स है वो एक्वायर किए हुए श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने वहीं पर केरला के लिए वे फेयरर फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक्वायर किए गए तो ये फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है जहाँ पे इस इन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को आई एम फोर डी एक्स स्क्रीन एक्स डी बॉक्स और एम एक्स फोर डी आई सी फॉर्मेट्स में रिव्यू रिलीज़ किया गया है तो इन अलग अलग फॉर्मेट में फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है कास्टिंग में एन टी आर जूनियर लीड रोल में देखने को मिलेंगे सैफ अली खान मेन निटागोनी है वहीं पे जानवी कपूर ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा श्रुति मराठे प्रकाश राज श्रीकांत और साइन टॉम चाको जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म के साथ आपको देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी आर राथन वेलू ने की हुई है फिल्म को एस श्रीकार प्रसाद ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और अट्ठावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अनिरुद्ध रविचंदर के द्वारा फिल्म के म्यूजिक के ऊपर कंपोजिशन करवाई गई है तो अनिरुद्ध रविचंद्र ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के जो राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने सभी वर्जन के लिए खरीदे हुए फिल्म में आपको टोटल चार ट्रैक सुनने को मिलेंगे जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसके अलावा हम इस फिल्म्स के रिगार्डिंग दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते हैं इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर जानकारी दे तो एन टी आर रामा जूनियर आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे एक तो है देवरा दूसरा है वरदा यानी कि वारा जो देवरा का बेटा है सैफ अली खान इस फिल्म में भैरव भैरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा जहनवी कपूर ने तंगम का रोल प्ले किया है जो वरदा का लव इंटरेस्ट है वर्दा की माँ देवरा की वाइफ ये रोल है वो श्रुति मराठे ने प्ले किया हुआ है जरीना वहाब ने इस फिल्म में देवरा की माँ और वर्धा की ग्रैंड माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तल्लूरी रामेश्वर ने इस फिल्म में जागुलू का रोल जोगुलू का, का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने सिनप्पा का सिंगप्पा का रोल प्ले किया है श्रीकांत ने रायप्पा का रोल प्ले किया हुआ है साइम टोम चाको ने कोरा का रोल प्ले किया हुआ है नरेंद्र ने इरफान का रोल प्ले किया हुआ है जो कोस्ट गार्ड ऑफिसर है वहीं पे कलाया रासन ने इस फिल्म में कुंजारा का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा को मुरुगा यानी कि पॉलिटिशियन कम स्मगलर का रोल दिया गया है अजय ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है चैत्र राज ने इस फिल्म में भहिरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आ, अम्मी अभिमन्यु सिंह ने इस फिल्म में डीएसपी तुलसी का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी वर्मा ने प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2020 में एनटीआर टी आर रामा राव जूनियर और त्रिविक्रम श्रीनिवास एक फिल्म साथ में करने वाले उनका सेकंड कोलोब्रेशन होने वाला है अरविंद समेता के बाद में टेंटेटिव टाइटल एन टी दिया गया था फिल्म एस राधा कृष्णा नंदमोरी कल्याण राम प्रोड्यूस करने वाले थे हरिका हासिन क्रिएशन और एन आर्ट्स के नीचे तो ये अनाउंसमेंट तब सुनने को मिली थी लेकिन लेटर ऑन इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई जहां पे जुलाई में कंफर्म किया गया कि कोटाला सिवा एक फिल्म बनाने वाले जहाँ पे वो अल्लू अर्जुन को लेते हुए ए ट्वेंटी वन बनाने वाले प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सुधा कर्मी की नई नई उनकी नई कंपनी युवा सुधा आर्ट्स के नीचे प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ उसके बाद में अप्रैल 2021 में कंफर्म किया जाता है कुछ रिपोर्ट से कि रामा राव और सिवा एक बार फिर से कोलाबरेट करते हुए नजर आएंगे जनता गैरेज के बाद में उनका ये सेकंड कोलाब्रेशन होने वाला है फिल्म का टाइटल होने फिल्म को टेंटेटिव टाइटल एन टी दिया हुआ था क्योंकि एन की तीसवीं फिल्म होने वाली थी एज अ लीड रोल में ऑफिशियली अनाउंसमेंट थी तेरह अप्रैल 2021 को उगाड़ी के मौके के ऊपर की गई थी जहाँ पे युवा सुधा आर्ट्स ने इस फिल्म को एन आर्ट्स के द्वारा कोव कोलोबरेट करते हुए प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो उनके द्वारा इस फिल्म को अनाउंस किया गया था हाउ जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि शिवा आचार्य के का फिल्म के प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे वहीं पर रामाव एन टी आर रामा राव है वो आर 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 फिल्म के साथ जुड़े हुए थे इसके चलते फिल्म को थोड़ा डिले किया गया जहाँ पे शिवा ने एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कमर्शियल अपील वाला तैयार किया हुआ है जहाँ पे उनकी डेब्यू फिल्म थी मिर्ची उससे कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अच्छा आचार्य फेल होने के बाद शिवा ने फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया कुछ नेसेसरी चेंजेस किए फाइनल राप तैयार किया उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फ़ैसला लिया जिसके चलते प्रोजेक्ट और डिले हुआ जिसके चलते बाप दो आ चुका था और उसके बाद में नवंबर ने शिवा ने प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया था प्रोडक्शन को अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ले जाने का फैसला लिया गया इनिशियली ये फिल्म चौबीस अप्रैल को वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाले थे लेकिन तारक रत्ना और रामा रव के जो एकेडमी अवार्ड कैम्पियन था आर आर के लिए उसके लिए चीज़ें थोड़ी डिले हुई थी ऑफिशियल लॉन्च था वो बाद में 23 मार्च पूजा सेरेमनी स्टार्ट करवाई गई थी हैदराबाद में एस एस राजा मौली और कई दूसरे कास्टर क्रू मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए उन्होंने मूरत शोट में काम किया होता साथ ही में तब प्रेजेंस रहे थे वहीं पे इस फिल्म का टाइटल ऑफिशियली 19 मई 2023 को देवरा नाम के साथ अनाउंस किया गया वो तब एन का बर्थडे था उस मौके के ऊपर इसको अनाउंस किया गया चार अक्टूबर को सिवा ने अनाउंस किया कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली है क्योंकि फिल्म काफ़ी बड़ी है एक पार्ट में नहीं कम्प्लीट हो पाएगी कास्टिंग में बात करें तो पहले जो टेक्निकल टीम है उसमें अनिरुद्ध रविचंद्र को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया सिनेमाटोग्राफी के लिए आर राथन वेलू एडिटिंग के लिए ए श्रीकार प्रदात और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सब्बू को लिया गया था वहीं पे वी के लिए और कोरियोग्राफी के लिए पहले स्टंट कोरियोग्राफर के लिए केनी बेट्स को लिया गया ब्रेड मेनेज और युगंदर टी को वी एफ के लिए अप्रोच किया गया वहीं पे एक्ट्रेस के ऊपर नाम आया था कि आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर मनोराल ठाकुर रश्मिका मंदना जैसी एक्ट्रेस को लीड रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है ऐसा सुनने में आया था लेकिन कंसिडर किया जा रहा था लेकिन बाद में फाइनली जब अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि जानवी कपूर इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने वाली है उनकी ये पहली साउथ इंडियन या पहली तेलुगू फिल्म होने वाली है उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त भी कहा था कि उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हुआ क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि उनको एन के साथ काम करना है उसके बाद में इस फिल्म में ये सभी अप्रोच कंप्लीट करने के बाद प्रकाश राज मीरा जासमिन को भी एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया धीरे धीरे कल्याई रासन मुरली शर्मा नरेन अभिमन्यु सिंह सुति मराठे साइन टोम चाको जैसे एक्टर्स भी फिल्म के साथ जुड़े प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी एक अप्रैल 2023 से हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे जानवी कपूर और सैफ अली खान को मिड अप्रैल दो में इस सेट को ज्वाइन किया मई महीने में इस फिल्म के दो वीक जितना ब्रेक लिया गया क्योंकि एन टी आर फैमिली वेकेशंस में गए थे सात जून 2023 को फिल्म से को फिर से रिसड्यूल करके शूट करना स्टार्ट किया गया तब चौदह दिन जितनी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में एक, एक महीने तक का लंबा ब्रेक रहा 31 जुलाई 2023 हज़ार तेईस तो तक फिल्म को फिर से स्टार्ट करवाया गया इस बार मुंबई की में इस फिल्म की कुछ शूटिंग्स रखी गई थी उसके बाद में फिल्म के अलग 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 लोकेशंस में फिल्म की शूटिंग चली थी जहां पे हैदराबाद में एक शेड्यूल चार अक्टूबर दो को रखा गया था कल्याण राम ने रिवील भी कहा था किया था दिसंबर 2023 तक फिल्म की 80 परसेंट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन प्रोडक्शन टीम ने रिवील किया कि 30 परसेंट जितनी शूटिंग अभी तक कंप्लीट हुई है उसके बाद में सभी चीज़ें आगे बढ़ती रही जहां पर बताया गया कि रामा हुआ वॉर टू में पार्ट होने वाले लेकिन आ, ये दोनों फिल्म एक साथ टकराने की वजह से चीज़ें कुछ साथ नहीं बैठ रही थी जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग लेट हो रही थी उसके बाद में धीरे 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 फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में वे फेक्स का, का काम कंप्लीट करवाए जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी लंबा रन टाइम रखा गया था इनिशियली रन टाइम था वो करीबन 190 मिनट का कंसीडर किया जा रहा था लेटर ऑन 170 मिनट के आसपास का रन टाइम फाइनलाइज किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी जानकारी दो तो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए निरुद्ध रविचंदन ने टी सीरीज के पास सभी वजन के गाने थे एल्बर्ट वेन्ट स्टूडियो चेन्नई एम स्टूडियो चेन्नई श्रुति ऑडियो लेब्स हैदराबाद वाइफ स्टूडियो मुंबई वाई स्टूडियो मुंबई स्टूडियो डीएमआई लास वेगस में फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में चौथा टोटल चार ट्रैक थे तेलुगु वजन में सभी ट्रैक को लिखा हुआ था रामजोग शास्त्री ने इस फिल्म का फर्स्ट ट्रैक रिलीज किया गया था वो था फियर सॉन्ग जिसको उन्नीस मई दो को टी सीरीज के रिलीज करवाया गया था जिसको अनिरुद्ध रविचंदन ने खुद गाया हुआ था चुत्ता मल्लकर के जो गाना है उसको शिल्पा राव ने गाया हुआ था जो सेकंड सिंगल के तौर पे पांच अगस्त दो हजार चौबीस को रिलीज किया गया दाऊड़ी गाने गए उसको नाका सजीज और आकाश सिंह ने गाया था जिसको चार सेप्टेंबर दो हजार चौबीस को फोर्थ सिंगल के सॉरी थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज किया गया था अयोध्या पूजा करके जो गाना था जिसको काला भैरवा ने गाया हुआ था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर छब्बीस सेप्टेंबर दो को रिलीज किया गया तो ये टोटल चार गाने रिलीज़ किए गए फिल्म के रिगार्डिंग जो तेरह मिनट चालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसका है हिंदी वर्जन है उसको लिखा उन सभी गानों को रामजोग्या शास्त्री ने हिंदी वर्जन के लिए लिखा हुआ था मलयालम वर्जन के लिए मनकुम्भु गो गोपाल कृष्णा ने लिखा था और वर्धा चिकम्बलमपुरम ने कन्नडा वर्जन के लिए इनके गानों को लिखा हुआ था तो इस तरह से ये सभी गाने थे जहाँ पे हिंदी वर्जन में टाइटल करे तो फीयर सॉन्ग धीरे धीरे दाउडी और अयोध्या पूजा टाइटल दिए गए थे जहाँ पे फियर सॉन्ग को मनोज मुंतासिर ने लिखा था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया था धीरे धीरे गाने को कोसार मुनिर ने लिखा शिल्पा राव ने गाया दाऊडी गाने को कोसार मुनिर ने लिखा था नका अजीज और आकाश सिंह ने गाया था योद्धा पूजा गाना को मनोज मुंतासिर ने लिखा था और काला भैयावा ने गाया हुआ था इन सभी गानों को 26 सितंबर 2024 को चौबीस सीरीज के द्वारा तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में रिलीज किया गया तो अभी ये सभी गाने बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको आसानी से सुनने को मिल जाएंगे कहानी के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं इस फिल्म की कहानी रत्नागिरी करके एक एरिया है कोस्टल विलेज है जो रेड सी के नज़दीक है वहाँ पे सेट की हुई है जहाँ पे देवरा नाम का एक किरदार है उसके ऊपर पूरी फिल्म को मेनली फीचर किया हुआ है जो जूनियर एन टी आर रोल प्ले करे इसके अलावा भाईरा करके कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो सैफ अली खान ने प्ले किया हुआ है रैप्पा करके जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो श्रीकांत ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा फिर कोई कुछ और भी गाँव में से बड़े बड़े नाम आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहाँ पे एक पावरफुल फिगर है मुरुगा करके जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहा है एक स्मगलिंग गुड्स स्मगलिंग गुड्स में वो उसका एक बड़ा नाम है जहाँ पे वो सिप्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें स्मगल करता हुआ नजर आता है देवरा को धीरे धीरे इन सभी रॉन्ग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है लेकिन देवरा के साथ भैरा इन सभी चीज़ों में डिसएग्री करता है उसके बाद में भैरा ट्राई करता है देवरा को मारने के लिए ट्विस्ट तब आता है जब देवरा अचानक से डिसपेयर हो जाता है और अचानक से 20 साल के बाद चीज़ें और पास होने के बाद पता चलती कि भैरा रत्नागिरी में रूल कर रहा है और वो अभी भी देवरा को ढूंढ रहा है मारने के लिए दूसरी तरफ वारा यानी कि देवरा का बेटा है जो एक इनोसेंट और हेल्पलेस है और धीरे धीरे वो भैरा की जो फोर्स है उसको भी ज्वाइन कर लेता है अब वारा और भैरा क्या करना चाहते इसके अलावा क्या ये जो फादर की जो एक का एक वीस है वो कंप्लीट हो पाएगी क्या वारा हमें कोई अपने फादर के लिए ख़राब मेमोरी है देवरा एक्चुअली में गया कहाँ है क्या वो जिंदा है भैया क्या उसे पकड़ पाएगा अगर जिंदा है तो अगर ये सभी चीज़ों के बीच में किस तरह से देवरा और उसके बेटे के जो बीच की ट्यूनिंग है वो आपको देखने को मिलती है और देवरा को क्यों मारना चाहता है भाईरा वो सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी पनाती है जूनियर एन इस फिल्म के लिए वन ऑफ़ द मेजर प्लस पॉइंट साबित होते हैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था जहाँ पर वो एक बार फिर से प्रूव करते हुए नज़र आते कि वो एज एक्टर के तौर पे कितने मज़बूत हैं उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी बनाए रखती है देवरा पार्ट वन पूरी तरह से वो ऑडियंस के सामने वो अकेले अपने कंधे पे खिंचते हुए नजर आते हैं देवरा और वारा दोनों रोल में देवरा के रोल में उनकी जो ह्यूमिनिटी है डिस्ट्रक्टिवनेस है जिस तरह से उन्होंने उस कररदार में डायलॉग डिलीवरी दी हुई है बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी बढ़िया थी ठीक उसी तरह वारा का जो किरदार था वो पूरी तरह से अपोजिट था एक इनोसेंट था कॉवर्ड था तो उन सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली बैलेंस तरीके से एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई सेफ अली खान भाईरा के रोल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस साइन करते हुए नज़र आते हैं कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने एक तैयार किया हुआ था उस कैरेक्टर में सेफ अली खान ने जो काम किया हुआ है जिस तरह से देवरा के अगेंस्ट वो रिवेंज चाहता है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो लाजवाब था जानवी कपूर को जो भी काम दिया गया था जो म्यूजिक थोड़ा बहुत था थोड़े बड़े थोड़े बहुत सीन्स थे जो फन डायनेमिक एन टी आर के साथ देखने को मिलता है और सभी चीज़ों में वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी एक्शन सिक्वेंस फिल्म के काफ़ी बढ़िया थे वो फिल्म के लिए स्टैंड आउट मोमेंट्स में साबित होते हैं जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से जो एक एक्शन सीक्वेंस के साथ जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो डायलॉग्स डिलीवरी देखने को मिलते हैं जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं देवरा के कैरेक्टर के साथ और सभी चीज़ें एक एंटरटेनिंग टच देती हुई नज़र आती है सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेज श्रीकांत प्रकाश दूसरे कई एक्टर्स ने दिए हुए काफ़ी पॉजिटिव मैनर में फिल्म के साथ जाती हुई नजर आती है स्टोरी काफ़ी एंटरटेनिंग थी स्टोरी में काफ़ी नयापन था लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था उसमें उनको एज ए डायरेक्टर के तौर पे कई पोर्स में बेहतर तरीके से डायरेक्शन करना चाहिए था स्क्रीन प्ले थोड़ा और एंगेजिंग मैनर में लिखा जा सकता था इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको और इफेक्टिव मैनर में एग्जीक्यूट किया जा सकता था चीज़ें और इनहेंस हो सकती थी जो फिल्म के ओवरऑल रोल जो फिल्म का इम्पेक्ट है और बेहतर कर सकती थी जानवी कपूर का जो रोल था वो काफ़ी कुछ सीन्स के लिए था जहाँ पे उसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज की जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट नजर आएगी बैक स्टोरी में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की गई है उसको बेहतर किया जा सकता था सैफ अली खान का रोल था जिस तरह से तैयार किया गया था उसको थोड़ा बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से एन टी आर का रोल डेवलप किया गया था उसी तरह क्लाइमेक्स जिस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है उसमें जो शॉकिंग इवेंट्स डाला हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से सभी ऑडियंस के लिए काम नहीं करता है सिवा कोटला ने इस फिल्म के साथ एज अ राइटर डायरेक्टर के तौर पर ठीक ठाक काम किया हुआ है वैसे सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी ठीक थी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है वहाँ पे चीज़ें और बेहतर की जा सकती थी सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फिल्म को एक अच्छा खासा टच देता हुआ नजर आता है एक फिल्म को टॉप नॉच पर सीन्स को और बेहतर करने में मदद करता है एडिटिंग फिल्म की आ, मीडियम मीडियम ठीक ठाक थी क्योंकि चीज़ें थोड़ी चॉप ऑप की जा सकती थी काफ़ी लंबी फिल्म थी जहाँ पे फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी लाजवाब नजर आएगी तो ओवरऑल देवरा एक एक्शन पे एक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो मिलेगा जहाँ पे जूनियर एन अपने कंधे पर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते जाह्नवी कपूर का चाम था वो भी पसंद आएगा आपको सेफ अली खान का भी जो परफॉर्मेंस था वो भी फिल्म को सपोर्ट कर रहा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड्स में कुछ एक्शन सिकॉन्स है जिसको अच्छी तरह से फिल्माया गया है लेकिन एज अ डायरेक्टर के तौर पे डायरेक्टर ने जो काम किया हुआ है उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी जो सीन्स थे उसमें भी सेकंड हाफ में खास करके काफ़ी लेग होते हुए नज़र आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म देख सकते हो तो देवरा फिल्म वैसे वन टाइम वॉच है एन के लिए अगर आप देखना चाहते हो डेफ़िनेटली एक डिसेंट फिल्म है इसे देखा जा सकता है आचार्य से तो बेहतर फिल्म बनी हुई है आचार्य ही जो फिल्म के डायरेक्टर है यानी कि कौटाल सिवा उन्होंने बनाई थी तो वो फिल्म उतनी कुछ खास थी नहीं लेकिन उससे तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है जिसको थिएट्रिकली सत्ताईस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया गया था जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा बस था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पर अभी तक इस फिल्म को आई पे करीबन छः के यानी कि अड़सठ की वो रेटिंग मिली हुई है और उसमें से अठसठ सौ वोट्स में से इस फिल्म ने छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से और इस आईएमडीबी रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया हुआ है हिंदी वर्जन में और तेलुगु वर्जन में तो खास करके फिल्म काफ़ी बढ़िया चल रही है जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले दिन काफ़ी ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया था अच्छी खासी प्री बुकिंग चल रही थी जिसके साथ इस फिल्म ने ओवरसीज वन इंडिया से मिलाकर अपना पहला का पहले दिन का क्रोस कलेक्शन वो करीबन एक करोड़ का किया था तो और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया इस कलेक्शन के साथ और सेकंड डे में वो कलेक्शन दो दिनों का टोटल करीबन दो करोड़ बना हुआ है तो करीबन करीबन दूसरे दिन भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सत्तर अस्सी करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दो दिनों के अंदर करीबन दो करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है तो एक अच्छे का मीडियम वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है डेफ़िनेटली फिल्म अपना ब्रेक एंड टारगेट हासिल कर लेगी क्योंकि भले ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला हो लेकिन फ़िल्म इस कदर बनी है कि डेफ़िनेटली ऑडियंस के बीच में फिल्म कलेक्शन कर जाएगी तो एन टी आर के आर आर के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई है पहले दिन के लिए जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म थिएट्रिकली रन हो रही है अगर आपको देखना है तो थिएटर में देख सकते हो अदरवाइज ओटीटी वर्जन के ऊपर बातचीत करो तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन सात आठ वीक के विंडोज़ में आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी ओ टी टी राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म के लिए एक सौ पचपन करोड़ रुपये दिए हुए करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स स के ऊपर भी इंग्लिश इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि देवरा फिल्म फिलहाल में थिएटर में चल रही है अगर ओ में देखना चाहते हो तो थिएटर कल रिलीज के करीबन आठ महीने के बाद ये आठ वीक के बाद यानी कि करीबन दो महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से देवरा फिल्म आप ओ टी टी सेटेलाइट थिएटर इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो बस गए देवरा फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी जानकारी दे दी है फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू